आयोजन हो गई, कैसे हुई नहीं पता, दीदी रहेगी, आप सब रहेंगे, आप सबके बीच में मैं अपने भाव किन शब्दों में कोशिश करूं, मैं वो बोल ही नहीं पाऊंगा जो मेरे मन में भाव है। एक व्यक्ति स्वप्न देखता है बंद आंखों से, खुली आंखों से, और वो साकार होता है तो जो अनुभूति होती है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। ऐसा प्रत्येक किसी व्यक्ति को देना था, तो अगर हमसे ऐसी कई चूक होती है तो हम उसके लिए प्राण नहीं क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने अगर किसी भी अतिथि का कोई किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। हमारे मन में पिछले 10 दिनों से सिर्फ एक ही था कि पुष्पेन जी, पुष्पेन जी, पुष्पेन जी, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, कोरोना का डर, ऐसी सारी चीजों के बीच में कार्यक्रम कैसे हो, वो सभी विचार चलते रहे। और जो तैयारी करना थी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो ही नहीं हो सकी, बाकी आप सबके पास पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। कई अपने सहयोगी हमसे शायद छूट चुके होंगे, वो हमसे नाराज होंगे कि कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं किया गया। मैं ऐसे सभी मेरे स्वजनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मुझसे उन्हें आमंत्रित करने में चूक हुई। भारत माता पूजन एवं विचार संगोष्ठी, जो लोग महू से मूलता है और भारत माता पूजन के कार्यक्रम में दुबई एसोसिएट के आह्वान पे आमंत्रित होते रहे, वे सभी जानते हैं कि हम पिछले 10 वर्षों से भारत माता का पूजन 16 अगस्त को करते रहे। शहर के अच्छे गायक, छोटे बच्चों से देशभक्ति गीत संगीत कराना, और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि भारत माता के लिए, देश के लिए कोई बात किसी भी व्यक्ति के मन में अगर हम उस दीप को जगा सके तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसा प्रयास हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे थे। बड़ा मन में अथक पुथल था कि कोरोना काल के कारण 16 अगस्त निकल गई, इस बार कोई कार्यक्रम न कर सके। और जयतु भारतम की अनामिका चतुर्वेदी जी से, चक्रवर्ती जी से संपर्क हुआ, भाई साहब से बातचीत हुई, एक टीम बनी और एक कार्यक्रम, एक स्वप्न जो है वो आज आकार के रूप में साकार होकर हम सब यहाँ उपस्थित थे। बड़ी विचार विमर्श हुआ, बहुत सोचते रहे कि विषय क्या हो, बातें कैसे रखी जाएंगी, कौन सी चीज कैसी होगी। उन सब चीजों को वहीं रखते हुए सिर्फ मन में भाव यह आया है कि जो पुष्पेन जी का एक संकल्प है कि जो पिछले सालों से, 4-5 सालों से लगातार पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, कि विचार संगोष्ठी करना की ओर भाई साहब जो पूरे देश भर में जो विचार संगोष्ठियां कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उसका आखिर उद्देश्य है क्या। लोग YouTube पे देख रहे हैं, YouTube के माध्यम से Facebook पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो जो भाई साहब का जो भाव है वही भाव को हमने महसूस किया है कि विचार संगोष्ठी के माध्यम से जो जनमानस यहाँ उपस्थित होगा, हम उनके मन में उनके मस्तिष्क में अगर ये विचार को मजबूत कर सके, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रवाद का अगर विचार मजबूत कर सके, किसी भी व्यक्ति के मन में अगर राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर कोई शंका, समाधान, विचारों का कोई द्वंद्व चल रहा हो, तो ऐसे द्वंद्व को हम इस विचार संगोष्ठी के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचा सके। सिर्फ एक ये भाव से हमारे द्वारा विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना के कारण हमने वैसे सभी लोगों की इच्छा है कि माननीय पुष्पेन जी का स्वागत करें, कई संगठनों ने, पंचायतों ने आह्वान किया कि हम भाई साहब का स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, तो सुरक्षा कारणों से कोरोना के कारण हमने ऐसी सारी चीजों को रोक लगाई है। इसलिए मैं महू विधानसभा की तरफ से, संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरफ से उषा दीदी से निवेदन करता हूँ कि वे भाई साहब का शाल और स्वीपर और पुष्पगुच्छ से हम सब
भगवान परशुराम की भील की नगरी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की नगरी, ऐसे महान विभूतियों ने जो विचार उत्पन्न किए हैं, किसी ने देश को स्वतंत्र कराने में, किसी ने धर्म की स्थापना के लिए, और किसी ने आज के समय में जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं ऐसे संविधान को निर्माण करने में जो अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, ऐसी नगरी के सदस्य हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी ऐसी कर भूमि की तरफ से, संपूर्ण महू की तरफ से, हम कर्तव्य ध्वनि के साथ से एक मिनट तक ध्वनि कर्तव्य ध्वनि बजा के पुष्पेंद्र जी का आप सभी स्वागत करें। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के स्वागत के लिए। मैं इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा न करते हुए उषा दीदी से निवेदन करूंगा कि वे संपूर्ण महू की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के सभी रहवासियों की ओर से, भाई साहब का और यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथि, सम्मानीय सदस्य, पत्रकारगण और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी भावनाएं आज यहाँ सबको खींच के लेके आई है, उन सभी को अपने शब्दों से स्वागत भाषण सभीभूत करें। पावन मंच पर मैं महू के ऊर्जावान भाई बहनों को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं हम सब के सौभाग्य का उदय हुआ और आज प्रखर विचारक चिंतक पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ महू की पावन भूमि पर पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से भगवान परशुराम की जन्मस्थली, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली, टंटिया मामा की कर्म स्थली में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सब की ओर से उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद की जो अलख जगाने का प्रण आपने किया, महू का एक एक व्यक्ति उसका साक्षी और सहभागी दोनों बनेगा। मैं दुबे एसोसिएट्स को कि आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई कि आज एक पावन मौका हम सबको मिला है। मैं सचमुच कह रही हूँ, जीवन में मैं कभी उद्वेलित नहीं हुई। आज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में पुष्पेंद्र जी का स्वागत करूं, क्योंकि वो अपने नाम को सार्थक करते हुए प्रखर राष्ट्रवाद की ज्योति जगाने निकले हैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए। मैं आज, क्योंकि हम सब आज उन्हीं को ज्यादा सुनना चाहते हैं, पर मेरे मन की एक बात आप तक पहुंचाऊंगी दो मिनट में, फिर हम आदरणीय भैया को ही सुनेंगे। पूर्व दिशा में उगता सूर्य पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश की कण कण पर नित्य प्रति न्यौछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है, भारत जैसी पावन भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये देव भूमि है, 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पतियों से आच्छादित ये देव भूमि, 45,000 प्रकार के जीव जंतु जिसका संतुलन बनाते हो, ऐसी पावन भूमि पे आप और हम सबको जन्म मिला। निसंदेह हमने कोई न कोई बहुत पुण्य कार्य किए होंगे। हमें विचार करना होगा कि हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। आदरणीय पुष्पेंद्र जी भी यही चाहते कि अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को पढ़ो रे। ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने, कितने समाज में चेतना लाने वाले लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। आज उन सब को साक्षी मानते हुए आप सबसे कहना चाहती हूं कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी,
तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ईश भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशो उपकार कर। आज मां भारती के चरणों में समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए ये प्रार्थना करना चाहती हूं कि पुष्पेंद्र जी आज जो ऊर्जा, जो ऊष्मा, जो प्रकाश हमारे बीच बिखेरेंगे, हे प्रभु, वो हम सबकी रग रग में समाहित करना। हम जहां जिस काम को कर रहे हैं, मेहनत लगन ईमानदारी से करें, यही तो देशभक्ति है। आपका कोटि कोटि अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। पुष्पेंद्र जी के वक्तव्य व्याख्यान हम सभी ने YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, सोशल मीडिया पे बहुत सुने। कश्मीर की बात हो, आर्टिकल 370 की बात हो, 35A की बात हो, आतंकवाद की बात हो, सांप्रदायिकता की बात हो, इन सारे विषयों को भाई साहब ने अपने उद्बोधनों में बहुत अच्छे से क्लियर किया। पुष्पेंद्र जी भाई साहब का जन्म मूलतः उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अंदर हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, उसी के एडमिट हुई है। आपने पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और आपने कई वर्षों तक पत्रकारिता के माध्यम से देश के सामने हर उस विषय को प्रस्तुत किया जो देश के लिए, देश की जनता को जानना आवश्यक था। भाई साहब ने आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के अंदर 12 साल तक BBC और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आप विशेष संवाददाता के रूप में आपने कार्य किया। इस कारण से आपको कश्मीर पॉलिसी, कश्मीर समस्या का गहन अध्ययन, इतिहास से जुड़े हुए पन्ने हो, स्वतंत्रता के पहले की बातें हो, वे सभी भाई साहब के ज्ञान सागर के अंदर हमेशा नाव की तरह हिचकोले खाती है। हम सब भारतीयों का और जो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन सब के मन में कश्मीर को लेके, कश्मीर समस्याओं को लेके हमेशा टीस रहती थी कि ये समस्या कब खत्म हो। हर भारतीय, हर राष्ट्रप्रेमी के मन में एक ही जज्बा होता था कि कहीं ना कहीं समस्या काल कैसा हो। मैं पिछले 10 सालों से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए कश्मीर जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं, तो हमें भी वो तकलीफ होती थी जो 370 35A के कारण होती थी। वहां के जनमानस को समझने का मौका मिला। आप संघ की, राष्ट्र स्वयं संघ के विचारों को, आप जनसंघ के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आप समझे कि एक विचार चला था संघ, जनसंघ के प्रखर वक्ता, क्रांतिकारी संस्थापक जिन्होंने हम सबको विचार दिए हैं, जो विचार आज के हमारे मन में जिंदा है, वे कश्मीर समस्या के निराकरण के लिए, कश्मीर की स्वायत्ता के लिए देश में शहीद हो गए। तभी से हम प्रत्येक भारतीय के, राष्ट्रवादी के मन में एक विचार हमेशा पनपता रहा है कि वो कश्मीर हमारा हो, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस जज्बे को प्रत्येक भारतीय यहाँ जो उपस्थित है, राष्ट्र में उपस्थित, उसको स्वीकार करें और ये माने कि वो स्वप्न साकार हुआ है कि जब मुखर्जी कुर्बान हुए वो संपूर्ण कश्मीर हमारा है, और उस विचार के साथ हुआ है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें किसी प्रकार से उसको खत्म नहीं कर सकती है, वे महबूबा मुफ्ती हो, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, वो धारा 370 और 35 से हटाने के रास्ते सब तरह से बंद हो चुके हैं। समस्या का समाधान और इन रास्तों को समाप्त करना कि जो अलग है, जो लोगों को विचार दिया है, प्रत्येक भारतीय के मन के अंदर कश्मीर के प्रति जो प्रेम उत्पन्न किया है, वे पुष्पेंद्र जी है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि आपने 5-7 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल तक के प्रत्येक भारतीय जो फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको आपने देश से, कश्मीर से 370 और 3500 से जोड़ा है। आपको साधुवाद है पुष्पेंद्र जी, आपने जो किया है वो अद्भुत है, कई प्रयास होते रहे हैं,
लोगों को विचार देना आसान नहीं है। हम क्या कहें, बस आप हमें कुछ कहें, आप आमंत्रित हैं, आप आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। समय की कोई बंदिश नहीं है, आप जब तक हमें विचार रखेंगे तब तक पूरा जनमानस आपको सुनने के लिए, ये सिर्फ आपको सुनने के लिए आए, हम तो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। धन्यवाद। कि मैं अभी तक जो देख रहा हूं उसे एहसास नहीं कर पा रहा कि रात के 7 बजे एक छोटे से शहर में, जहां ना कोई बहुत बड़ा नेता है, न कोई फिल्म स्टार है, न यहां से कुछ आपको भौतिक रूप में मिलने वाला है, इतनी बड़ी तादाद में अगर आप मुझे सुनने आए हैं तो मैं मानता हूं कि देश बदलना शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर भारत माता पूजन एवं विचार संगोष्ठी के कार्यकर्ता दुबे एंड एसोसिएट महू, इसके प्रायोजक मेरे साथी जो पिछले 1 हफ्ते से हमारे साथ में, जो मेरे कोऑर्डिनेशन का काम पूरे देश में देखते हैं, ओम नरेश यादव जी, जो बनारस से एलएलएम करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे साथ लगा दिया है, उनके संपर्क में थे। मालवा मिरर राजेश जोशी जी, जयतू भारतम और मोहतरमा अनामिका चक्रवर्ती जी, मऊ के गणमान्य नागरिकों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मेरी माएं बहने और मेरे युवा साथियों, मैं अपनी बात तो रखूंगा लेकिन कुछ बातें शुरू में कहना चाहता हूं। अभी मैं कोई 4 या 5 दिन पहले गौहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करके लौटा हूं। मुझे शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन जो एक युवा का होता है, मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरी तरबियत मस्जिद के किनारे 40,000 मुसलमानों के बीच में हुई है। शायद यही कोई वजह है कि जिस शख्स ने 20-22 साल तक अपने जीवन में मंदिर न देखा हो, पूजा किसे कहते हैं वो उसे पता ना हो, इस 3 साल के पूरे दौर में कोई मंदिर ऐसा नहीं बचा जहां मैं अपनी मर्जी से गया। इसलिए बुलाया आपने, इंदौर में है, मैं कल महाकाल जाऊंगा। और यह भी अजीब बात है कि भगवान परशुराम की धरती
अंबेडकर जी की जन्मस्थली, और मुझे यहां बताया गया मामा तांटिया भी एक बड़े क्रांतिकारी थे, ये उसकी भूमि है। और जब जब परशुराम जी का जिक्र आता है तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि हम सारे देवी देवताओं में भगवान परशुराम ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, उसका कर्म उसका ज्ञान तय करता है कि वो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, क्षत्रिय होगा, यादव होगा, दलित होगा। और ये संयोग है कि इस धरती पे दोनों लोग मौजूद हैं। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय इतिहास में जो समझदार लोग थे उन्होंने बहुत समझदारी से इस देश की गुलफी को उलझाया है। इसलिए जितने भी ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी हों, सुभाष चंद्र बोस हो, तिलक हो, पटेल हो, हमने जो व्यवस्था बनाई 70 सालों में, उस व्यवस्था ने आपके हीरो को, जो आपके आदर्श होने चाहिए थे, वो सत्ता और व्यवस्था ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस समाज को, इस समाज के साथ जो जघन्य अपराध किया है उसकी कोई भी सजा आप दें वो भी कम है। आप बाबा साहब अंबेडकर को, पूरे देश में उनको लेकर के बहुत सारे आंदोलन होते हैं, उनके नाम को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर उस पूरे आंदोलन में आजादी के बाद भी अगर कोई ईमानदार बिना लाग लपेट का बेधड़क जिसके सामने राष्ट्र था वो एक ही मात्र लीडर था, उसका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। किन कारणों से सरकारों ने, सत्ताओं ने, व्यवस्थाओं ने उनको दफन कर। और आज जो सवाल आपके सामने खड़े हैं, आप दोबारा से 1946 की पोजीशन में हैं। आपको ताज्जुब लगेगा कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है, 20 राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार है, तब भी मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए कि पिछले 30, 40, 50 सालों में पूरे समाज को, सनातनी हिंदू समाज को जितना झूठ बोला गया है उसकी नसों में वो झूठ चला गया है, और उस झूठ को वो सही समझता है। मैं राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की छूट इसलिए देता हूं कि दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां झूठ बोलना जरूरी है, बिना झूठ बोले कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता। लेकिन समाज में सब कुछ राजनीतिक होता है मैं ये नहीं मानता। करोड़ों करोड़ों लोग राजनीतिक नहीं होते, उनके राजनीतिक स्वार्थ नहीं होते, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। जब वो इंस्टीट्यूट, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो, जब उनमें भी झूठ पढ़ाए जाने लगे, जब माता पिता अपने बच्चों से झूठ बोलने लगे, तो वो समाज लंबे समय तक नहीं चल पाता। इसलिए आज के प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मोहतरमा उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार की काबीना मंत्री, विक्रम भाई, इस कोरोना के बाद में मध्य प्रदेश में ये मेरा पहला दौरा है। मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहता हूं जो मुझे सिर्फ आप ही से कहनी है। आज हमारे समाज में छोटी सी भी बात होती है तो सारा समाज कहता है सरकार ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये कब करेंगे, ये क्यों नहीं कर रहे। लेकिन
जब समाज सो जाता है, जब समाज आलस में आ जाता है, उसमें कायरता आ जाती है और वो छोटे छोटे मामलों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, तब उसके मुद्दे क्या हैं? तब वो सिर्फ यही सोचता है ये सरकार आई है तो इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, हमें कितना फायदा होगा, ये स्कीम कैसे चलेगी। मैं इससे अलग हटके एक बात पूछना चाहता हूं, और अगर वो काम किसी ने किया है, किसी पार्टी का भी है, तो मैं उसकी तारीफ करने में शब्दों की कमी नहीं छोड़ता। मुझे नहीं मालूम कि मऊ के तमाम वासियों को, मध्य प्रदेश के लोगों को और जो जनरेशन 15-16 साल तक भी पहुंची है, उसको इस बात का पता भी है या नहीं। उत्तर प्रदेश में अलाहाबाद हाई कोर्ट 30 अगस्त 2007 केंद्र में भी महाराष्ट्रवादियों की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्रवादियों की सरकार थी। इसलिए अगर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति ज्यादा प्यार होगा तो आप सत्ता से दूर रहेंगे। एक जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के अंदर एक छोटे से गली में किसी कृष्ण भगवान के मंदिर का मामला आया। अगर आप में वो जील है राष्ट्र के प्रति, तो आप रास्ता कैसे निकालते हैं, ये बात मैं आपके सामने रख के अपनी आगे की बात करूंगा। दो लोग मुकदमा लेके पहुंचे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट के उस जज को वो एक ऐसा लगता था जैसे उनको मुंह मांगी कोई मुराद मिल गई, और जो उनके मन में कई सालों से रहा होगा उस मुकदमे की सुनवाई उनकी कोर्ट में हुई, और सुनते सुनते मुकदमा जो उनका एजेंडा था वो किसी को पता नहीं चला और उन्होंने वो पब्लिक कर दिया। सुनवाई चली, महीनों चली, और भगवान कृष्ण का मामला था इसलिए वहां से बात होते होते ऐतिहासिक हो गई, और आखिर में उसका लब्बलवाब यह है, उसका कॉन्क्लूजन यह है कि 30 अगस्त को अलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एस एन श्रीवास्तव ने एक ऐसा फैसला दिया जिसकी चाहे चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि वो फैसला जिस मुहिम पे मेरे साथ मेजर जनरल जी डी बख्शी, कर्नल आर्यन सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन रिजवी, ये तमाम सारे लोग हैं, शायद वो फैसला मुझे आज भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए क्यों जरूरी है जानना, उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है। उस फैसले की सुनवाई के बाद उन्होंने कहा, बात कृष्ण जी से सुनी हुई बात गीता पे आ गई, और उसके बाद अपने फैसले में लंबी बहस के बाद कहा कि 712 से लेकर के ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इसमें अगर किसी एक विचार ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, उसका नाम है भगवत गीता। इसलिए उन्होंने अपने फैसले में यह कहा कि भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये देश को नहीं पता, क्योंकि हमारे देश के लोगों को नहीं बताया गया कि भगवत गीता पे आया हुआ फैसला उसे राष्ट्रीय ग्रंथ 2007 30 अगस्त को घोषित कर दिया गया। लेकिन आप लोग जिस मुबारकबाद के हकदार हैं वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं।
फैसला उत्तर प्रदेश में हुआ। यह बात अलग है कि भगवान कृष्ण के वंशजों की वहां सरकार थी, लेकिन उन्हें फैसला अच्छा नहीं लगा। इत्तफाक से मध्य प्रदेश में सरकार में जो लोग बैठे थे 2007 में, कितनी तेजी से समझदारी का काम किया। फैसला इलाहाबाद में हुआ और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। और उसके बाद में जब आपके यहां यह घोषित हुआ तो यकायक छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग भागे कि ये गीता तो अगर जन जन को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा। साथ में उन्होंने एक ऐसे फादर को जिसने शादी कभी नहीं की वो भी पहुंच गया। और ये चला मुकदमा आपके यहां जबलपुर हाई कोर्ट में, और जबलपुर हाई कोर्ट के दो जज, जज अजीत सिंह ने और संजय यादव जी ने, उनसे कहा कि गीता अगर हिंदुओं की किताब है, हिंदू मजहब की किताब है, तो इसे साबित करो। जज ने लंबी बहस की और आके कहा कि इसमें हमें कुछ भी हिंदुओं जैसा नहीं मिल रहा, और मुकदमा उनका रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला किया है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। जबलपुर के हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपके यहां गीता का सार बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन गीता के कई रूप हैं। उसी गीता को लेकर के भगवान कृष्ण ने महाभारत कर डाला, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता को लेकर पूरा महाभारत किया यह नहीं बताया। हमें यह बताया गीता को लेकर अहिंसा का पाठ पढ़ाया हमारे पिताजी ने। तो गीता किसके हाथ में कैसे है और उसका क्या सार है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक नारा यहां बहुत जोर से लगता है, हर जगह लगना चाहिए, कि जब जितनी तेजी जोर की आवाज में आप इस नारे को लगाते हैं उतनी ही आवाज अजान की धीरी हो जाती है। आपने कहा वंदे मातरम, इसके बारे में एक तथ्य आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और यह तथ्य सिर्फ इसलिए देता हूं कि आज की पीढ़ी के पास जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दौर में आई है, यह सवाल पूछती है और इसके सवालों का जवाब हम तमाम बुजुर्गों को तथ्यों और रेफरेंस के साथ देना है। ये सवाल पूछे तो आप ये ना कहें कि नहीं नहीं तुम बहुत सवाल पूछते हो, ऐसा नहीं होता, ये मान लो कि हम कहते हैं, ये वो दौर नहीं है, ये 20-25 साल पुराना भारत नहीं है। इस संचार क्रांति ने छोटे से बच्चे को भी इंफॉर्मेशन कितनी दी है और उसके पास कई तर्क हैं। अगर आपका तर्क और संवाद की शैली नहीं बदली तो ये लोग भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी कहूं वो तथ्यों पे कहूं, रेफरेंस के साथ कहूं। भावनात्मक नारे क्षणिक रूप में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ बताई हुई चीज का असर यह होता है कि मैं आज आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, लेकिन कोई बात जरूर है कि आप यहां आए। वंदे मातरम का मामला आया तो आप थोड़ी देर के लिए पाखंड देखिए इस देश का। 29 दिसंबर 1930 अलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सेशन के अंदर महान महान आत्मा जिनकी कब्र पाकिस्तान में है, यौम वलादत का दिन छुट्टी होती है, वो उनके राष्ट्रीय कवि हैं, उनका नाम है मोहम्मद अल्लामा इकबाल।
अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन की सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लंबी तकरीर की, उसमें एक ही बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बातचीत करते करते अपनी स्पीच में उन्होंने आखिर में कहा कि भारत के जो वेस्टर्न बॉर्डर पे मुसलमान की मेजोरिटी के जो इलाके हैं उनको अलग कर देना चाहिए। यह 1930 में वो शख्स कहता है, और 1937 में एक शख्स जो भारत में पैदा ही हुआ था, उनकी वालदा मदीने की थी, 1888 में पैदा होता है, 1902 में भारत आता है, न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को डॉक्टर राधाकृष्ण नजर नहीं आए, राजेंद्र बाबू नजर नहीं आए, और वो जाहिल आदमी पहला भारत का शिक्षा मंत्री बना। मैं ये इसलिए कहता हूं कि आज का समाज पूछता है, कोई अगर मंत्री बन जाती है हमारे यहां जो बहुत सारा ट्रेंड करते हैं, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे एचआरडी मिनिस्टर क्यों बना दिया गया। लेकिन यही समाज 47 में 10 साल तक एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री भुगतता रहा जिसकी कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। वो शख्स 1937 में मुस्लिम लीग के लीडर के साथ मिलने के बाद नेहरू जी को यह बताता है, सुभाष बाबू से बात करता है कि वंदे मातरम से भारत के मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। एक तो मैं इन भावनाओं को पता करना चाहता हूं कहां रहती है, हर बात में आहत हो जाती है, मुक्ति नहीं मिली, कौन सी भावनाएं। 1937 में इस पर डिस्कशन हुआ, उस वक्त के जो भी हालात रहे हो, तो यह हुआ कि ये जो वंदे मातरम है इसकी सिर्फ दो लाइन गाई जाएगी, क्योंकि अल्ट्रा सेकुलर लोग बात कर रहे थे, जिना भी उसमें शामिल था, लारी भी उसमें शामिल था, खलीफुज़्ज़मा भी उसमें शामिल था। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो मुसलमान इसको गा ही नहीं सकते, ये तो उनके मजहब के खिलाफ है। खाल तय ये हुआ कि ऊपर की दो लाइनें गाई जाएंगी, वो चलता रहा। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत की ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में हुई, उस पर बहस में नहीं जाता, अच्छी थी बुरी थी, आजादी का कोई शब्द है नहीं, ना संविधान में है, ना किसी डॉक्यूमेंट में है, ना ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, ना हिंदुस्तान की आर्काइव में है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये कहीं है ही नहीं। ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, ट्रांसफर के बाद जो अंग्रेज आप पे बिठाए गए थे उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, उस वक्त भी ऐसे लोग थे, अलग अलग जगह थे, अलग अलग चेहरों में थे, उन्होंने कहीं भारत की सत्ता व्यवस्था में कोई जगह नहीं मांगी, वो गुमनामी ना आए, अपना काम करके चले गए। आपको 2020 के भारत के सामने वो नजीर रख दे कि आप वहां से बात को उठा करके अपनी बात को मजबूत कर सकते। 14 अगस्त 1947 को भारत की संसद के अंदर आजादी की घोषणा होनी थी, विजनरी प्रधानमंत्री ने भारत की गरीब जनता को अंग्रेजी में एड्रेस किया, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मुझे अपनी रिसर्च से पता चली, वो बात सिर्फ इतनी है कि सरदार पटेल साहब ने एक बहुत बड़े संगीतक एक टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम में उनसे यह रिक्वेस्ट की कि जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में हो चुकी होगी उसके बाद जो वंदे मातरम होगा वो आपको गाना है। आप सोचिए उस दौर में उस बड़े संगीतकार ने सरदार पटेल को टेलीग्राम के जवाब में कहा मैं आऊंगा, आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के दौर में होता तो कोई कहते भारत रत्न दे दो, गवर्नर बना दो। उस शख्स ने कहा कि मैं भारत की आजाद पार्लियामेंट में, खंडित भारत में, मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, 22 पंक्तियों का पूरा 9.5 मिनट का गाऊंगा।
पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब मद्रास से दिल्ली पहुंचे, और ये बात सिर्फ सरदार पटेल को पता थी या पंडित ओमकार नाथ को पता थी, बाकी विजनरी प्रधानमंत्री को बताई नहीं। अब विजनरी प्रधानमंत्री नीचे बैठे थे, पंडित जी ऊपर खड़े थे। 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का इस आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में अगर वो वंदे मातरम पढ़ा गया है, तो मेरा सवाल ये है, गुलामी के दौर में किससे किसने क्या वादा किया, किसने किससे क्या समझौता किया, मुझ पे वो लागू नहीं होता। मुझ पे लागू आजाद भारत की पार्लियामेंट में पढ़ा गया वंदे मातरम लागू होता है। वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, अधूरा नहीं गाया। इसलिए जिनकी भावनाएं आहत हो रही थी, उन्होंने भारत को आहत करके इसके दो टुकड़े कर दिए। अब सिर्फ हमारी भावना के अलावा किसी की भावना की हमें चिंता नहीं करनी, नहीं करनी। ये जो 70 साल में आपने झूठ बोला है, झूठ सुना है, और इतना झूठ सुना है कि आपको झूठ सच लगने लगा है, और शायद आपकी प्रवृत्ति या हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम दूसरे से भी झूठ सुनना चाहते हैं। राजनीतिक लोगों को मैं कम जिम्मेदार मानता हूं, मैं तमाम समाज में काम करने वाले उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जिनको यह करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। इसलिए यह 2020 का भारत है, बहुत सारे संकट हैं। आपने अपने सीने पे हाथ रख के बताइएगा, 70 सालों में कभी राष्ट्र के लिए वोट दिया था या नहीं दिया था? आपने ठाकुर पंडित ब्राह्मण जात ऊपर नीचे छोटा बड़ा, ये यादव वहां दलित वहां दलित, यही होके वोट दिया था। आप हर बार वोट देते थे, वोट देते थे आप यादवों के ठाकुरों के ब्राह्मणों के, और चाहते ये थे कि राष्ट्र का निर्माण हो। लिहाजा 70 सालों में भारत का बहुसंख्यक हिंदू सनातनी समाज भारत की राजनीति का हिस्सा ही नहीं था, उसको यह बोध ही नहीं कहने दिया। यह तो बोध कर दिया कि शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है, कादियानी है, यह तमाम बोध होते हुए भी इस राजनीतिक व्यवस्था ने उनको कहा तुम सिर्फ मुसलमान हो, और आपसे कहा तुम यादव हो ठाकुर हो, इतनी जगह बांटा कि अब स्थिति यह हो गई है कि दलित और महादलित, ये पिछड़ा ये अति पिछड़ा, अब ये कौन सा मेजरमेंट है जिससे यह तय हो जाता है कि यह अति पिछड़ा है, यह पिछड़ा है। लेकिन जैसे मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब वो अपने पीक पे होता है, जो वो चाहता है अपने पीक पे होता है, और उसी दौर में अगर आपने अपनी उस शक्ति को पहचाना और कैपिटलाइज किया, तो आप उस 1 साल में 6 महीने में वो करते हैं जो पिछले 50 साल तक नहीं कर पाते। ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में, देश के जीवन में आता है। 2020 में आपको एक मौका मिला है, मैं पूरी विनम्रता के साथ, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि यह करना है, यह मूवमेंट इतिहास में लिखा जाएगा, 100,000 साल तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस मूवमेंट को अगर आपने खो दिया तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ही आपको एक मूवमेंट मिला है। ना इसमें कोई भाजपा है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई ये पार्टी है, वो पार्टी है, पार्टियां वार्टियां आती हैं, जाती हैं, टूटती रहती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं बनता है, सरकारें भी आती हैं, सरकारें भी चली जाती हैं, सिर्फ रहता है तो राष्ट्र रहता है। इसलिए अपने सामर्थ्य और अपनी योग्यता के हिसाब से तय करें कि मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और हर आदमी अपनी जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है। शायद यही वजह है
कि 10 से 12 लोग पूरे देश में जिनका मैंने नाम आपको बताया, मैं जिस वक्त आपसे यहां बात कर रहा हूं, जीडी बख्शी कहीं और बोल रहे हैं, सुशील पंडित कहीं और बोल रहे हैं, ना उन्हें किसी चुनाव से लेना देना है, ना किसी पार्टी से लेना देना है। ये वो लोग हैं जो अपना सारा कैरियर छोड़ करके आए हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, सब यही कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। आपको 1947 में कोई भूमिका नहीं मिली, 1946 में कोई भूमिका नहीं मिली, इसका अफसोस हो सकता है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इनको ऐसा करना चाहिए था, पटेल को ऐसा करना चाहिए था, नेहरू जी से ऐसा, ये तमाम सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो मौका आपके जीवन में आ गया कि आज आप तय करें कि आपको क्या करना है। इसलिए कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालिए। ये जो आपके दिमाग में तमाम ऐसे नरेटिव झूठे मक्कार हैं, फरेबी हैं, आपके राजनीतिक लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में सत्ता पे बने रहने के लिए समाज को झूठे नारे और नरेटिव दे दिए। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि उन नरेटिव को आज के पर्सपेक्टिव में नहीं, जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म थी, बस इतना ही मुझे बताना है। हम ये सुनते सुनते बड़े हो गए, सारे धर्म बराबर हैं। मुझे समझ नहीं आया कि जब सारे धर्म होंगे तब बराबरी होगी। झूठ इससे बड़ा कोई हो सकता है? पूरी जनरेशन जनरेशन आपने बिगाड़ दिया, उसकी परिभाषा को बच्चा गलत बता रहा है, लेकिन हम बड़ों ने कभी उसको टोका नहीं है। क्या करें बेटा, शिक्षा व्यवस्था में 70 सालों में 30 साल तक चाहे मौलाना आजाद रहे हो, फखरुद्दीन रहे हो, एनसी छावला रहे हो, सैयद नूर हसन रहे हो, अली अशरफ फातमी रहे हो, 30 साल तक इस देश में वो लोग शिक्षा मंत्री थे जो आज ये कहते हैं हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं। तुम जीवन भर शिक्षा में पीछे रहोगे, वो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कोई शिक्षित कर ही नहीं सकता, ना अल्लाह मियां कर सकता, ना मोहम्मद साहब कर सकता। इसलिए कि जिन्हें शिक्षा से नफरत हो उनके लिए बड़ा संकट है, वो मारते ही उसे हैं जो कोई पढ़ी लिखी बात करता है। लिहाजा मैं आप सबके सामने, आप सब से मेरी बात आपको तथ्यात्मक लगे तो जरूर इसको चार उन लोगों को बताइए जिनको सच में पता नहीं है। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं है भाई। ये जैसे आपके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन होती है तो आप 10 लोगों को बताते हो कि मुझे ये आता है, तुम्हें नहीं आता। लिहाजा जब हम ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो सारे धर्म बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि बाकी धर्म है ही नहीं। अनादिकाल से जब से ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, ये कायनात है, जब से इसकी उत्पत्ति हुई होगी और आज तक और जब तक ये रहेगी मैं नहीं जानता, एक ही धर्म था सनातन, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, सब झूठ मक्कारी फ्रॉड है। इसलिए मजहब क्या है और धर्म क्या है इसे समझने की कोशिश कीजिए। धर्म है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक मां की ड्यूटी क्या है, एक पति की ड्यूटी क्या है, एक पिता की ड्यूटी क्या है, बेटी की क्या है, बेटे की क्या है, उस ड्यूटी को कहते हैं अपना धर्म निभाना। उसका ट्रांसलेशन जो हमें बताया गया रिलीजन का, कि रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म होता है, यह बहुत सोच समझ के बताया गया। यह खदे घोड़ों की तुलना है। हर मजहब किसी दिन किसी साल किसी सदी में पैदा होता है, उस मजहब की कोई किताब होती है, उसका कोई पैगंबर होता है, उस दिन मनाया जाता है कि आज 25 दिसंबर है। इसलिए ना हमारा कोई पैगंबर है, ना हमारी कोई किताब है, ना हम पैदा हुए हैं, ना हमें कोई मार सकता है। ये सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है, वो आज मरे कल मरे 1400 साल बाद मरे।
इसलिए रिलीजन का अर्थ अगर हिंदी में कुछ हो सकता है या है, और ये बात मैं नहीं कहता, इस देश का एक विद्वान जो इंदिरा गांधी से भिड़ गए थे इसी बात के लिए, उनका नाम है स्वर्गीय एलएम सिंह जी, जिनका बेटा आजकल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की प्रैक्टिस कैसे करता है। ये सेकुलर शब्द 1976 में जब देश के तमाम राजनीतिक और बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया था, इंदिरा गांधी ने सब जानते हैं कि कौन सी ताकतों के दबाव में, भारत के प्रियम्बल में, आप दुनिया के सारे संविधान उठा के देख लीजिएगा, 50 साल हो, 200 साल हो, 250 साल हो, संविधानों में संशोधन होते रहते हैं, कोई कानून बनाना है, कोई तरीकेकार को बदलना है, लेकिन प्रियम्बल में बदलाव नहीं होता। ये भारत पहला ऐसा देश है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देने वाले वो चंद्रशेखर, वो प्रकाश अंबेडकर, वो दलितों की राजनीति करने वाले लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब के इस संविधान को ये जो आए हैं नाथूराम गोडसे के मानने वाले, ये हिंदू ताकतें, ये ब्राह्मण ताकतें, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़ना चाहती हैं। उन मूर्खों को पता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिसंबर 1948 में संविधान सभा में जितने भाषण हुए हैं, शब्द सेकुलर आया और बाबा साहब अंबेडकर ने उस सेकुलर शब्द की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि भारत की भूमि हजारों साल से इसमें जो आया, जिस मत का आया, उसे यहां बसने दिया, उसे फैलने फूलने दिया, हमारी मिट्टी और हमारे खून में सेकुलरिज्म है, इस देश की किताब में सेकुलरिज्म की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इससे आगे भी कहा कि जो आप संविधान बना रहे हैं, इससे देश को चलाना है, समाज को नहीं चलाना है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द की उसी वक्त अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया था, लेकिन 1976 में बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने वाले सुबह से लेकर शाम तक, आजकल मैंने सुना है कि हैदराबाद वाला भी काफी नाम लेता है, हमें बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान चाहिए, हम भी चाहते हैं बाबा साहब के संविधान को, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम 1976 में 150 अमेंडमेंट के बाद जो संविधान बना है हम उसे नहीं चाहते। तो सेकुलर गवर्नमेंट की यह बहस चल रही थी, तो ये शब्द 1976 में जब आया तब एलएन सिंह भी साहब को यह काम दिया गया कि इसका हिंदी में तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन करें, क्या हो सकता है। बहुत ज्ञानी आदमी थे, ही इज अ रियली लर्न्ड मैन। लंबी व्याख्या के बाद उन्होंने कहा कि इसका मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर धर्मनिरपेक्ष में इसका संविधान में ट्रांसलेट करके डालूंगा तो भारत में हाहाकार मचेगा, अनार्की फैल जाएगी। अब इंदिरा गांधी को तो माशाल्लाह काफी नॉलेज थी, बहुत बहस, आखिर में बात यहां तक गड़बड़ हुई कि एलएम सिंह भी साहब झुंझलाए, उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला, कहा आप ये लिख लीजिए, मैं ये अपने जीवन में अपने रहते ये बुरा काम नहीं। किन दबाव में उन्होंने इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द का ट्रांसलेशन किया, और आज पूरा सनातनी हिंदू समाज जो समुद्र है वो नाली से लड़ रहा है, और ये बताता है कि हम सेकुलर हैं, वो प्रमाण देता है हम सेकुलर है। भाई सुबह से लेकर शाम तक आपको सेकुलरिज्म का प्रमाण देना है, राजनीतिक तौर पे देना है, सामाजिक तौर पे देना है, हर बात में आपको शाम बताना होता है कि हम सेकुलर हैं। और आपने जिस सेकुलरिज्म की परिभाषा रख ली है उसमें यह है कि जब तक जमील भाई आपके दोस्त ना हो आप सेकुलर होते ही। आप जमील भाईजान को साथ लेके घूमते हो पता नहीं कब आपकी जान ले। तो ये जो नरेटिव है एकेडमिकली गलत है, इंटेलेक्चुअली गलत है। सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर जो व्यवस्था थी, तो जो किंग होता था वो चर्च से चलता था, उसको गाइडेंस चर्च से मिलती थी। तब ये हुआ कि ये जो चर्च से चलने वाला राजा है कहीं दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोगों के साथ अन्याय न कर दे, क्योंकि चर्च में उसकी आस्था है।
उनके लिए ये सेकुलर शब्द आया, हमारे यहां पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आया। हमारी तो हजारों हजारों साल की परंपरा में कभी राजा न मठ से चला न मंदिर से चला, राजा हमेशा हमारे यहां कहा गया कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा के बारे में, उसकी ड्यूटी है। ये मंत्रों का उच्चारण, मंत्र में घंटा बजाना नहीं था। और जब आप किसी चीज के मतलब गलत समझ लेते हैं, या मैं कहूं कि जो 70 सालों पहले जो व्यवस्था आई, उन्होंने कैसे आपको एक ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि इस देश में 90 से 100 करोड़ लोग, ये मिसाल कहीं किसी दुनिया में मिल जाए तो मुझे बताइएगा, जिन देशों की पॉपुलेशन 2.5 लाख है, 2.5 करोड़ है, 12 लाख है, उन देशों से भी अगर मुझे जिस दिन मिल जाए मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। इतिहास में इतनी बड़ी जनसंख्या में जो इस देश की मेजोरिटी है वो हाथ जोड़ के अपने ही देश में सरकारों से विनती कर रही है कि हमें समान अधिकार चाहिए। दुनिया में सुनाई गई कि मेजोरिटी समान अधिकार की बात कर, या तो माइनॉरिटी करती है या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी करती है, और माइनॉरिटी कह रही है हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमें तो बधाई सीमा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। यह है बहुसंख्यक समाज जो कहे कि साहब हमें तो समान नागरिक चाहिए, हमारे साथ ऐसा ना हो। यह कमाल की चीज कहीं देखने को मिलती है। इसलिए दूसरा एक स्लोगन आया, और कैसे सत्ताओं ने बातों बातों में आपको पता ही नहीं चलने दिया। एक बहुत लाइन चलती है, और अक्सर हमारे राजनेताओं को तो गद्दी पे बैठने के बाद यकायक वो महान आत्मा हो जाते हैं, पूरी दुनिया की चिंता हो जाती है, घर उजड़ जाए। उन्होंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला है, इस पे तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इससे बड़ा कोई झूठ है। पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत पिछले 500 700 800 900 साल से चल रही है, मजहब के नाम से चल रही है, धर्म के नाम से नहीं चल रही। ये सड़कों पे मजहब के नाम से जो दंगे हो रहे हैं, ये मजहब के नाम से पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में कत्लो गारत हो रही है, मजहब के नाम से इंग्लैंड के फुटपाथ पे एक बस चढ़ा देता है एक आदमी, मजहब के नाम से एक आदमी श्रीलंका के चर्च में जाता है 250 लोगों को मार देता है, ये मजहब के लिए हो रहा है, इसमें धर्म कहीं नहीं है। आप अपने अंदर से इस झूठ को निकालिए, सच का सामना कीजिए। आप तो उस संस्कृति के लोग हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड हजारों साल में निकाल के देख लिया जाए, वो सिर्फ एक ही बात से कह देना चाहता है। एक मजहब है जो टेंट में पैदा हुआ, ऊंट के ऊपर खड़े होकर के खजूर तोड़ने की परंपरा है, उस किताब को पढ़ा बगैर ही आप लोग बहुत सारी चीजों का सर्टिफिकेट देते हैं, मेरी शिकायत है। मैं 2020 में अपोलोजिस्टिक नहीं होना चाहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग मेरी तारीफ करेंगे, कितने लोग मेरी बुराई करेंगे। बुराई करेंगे तो भी मैं पुष्पेंदु हूं, तारीफ करेंगे तो भी पुष्पेंदु हूं। मैं किसी का टिकट लेने नहीं जाने वाला, इसलिए सब बात को पूरी ताकत से कहिए। और किसी संकट के सामने रास्ता बदलने से संकट नहीं टलता है, लिहाजा मैं ये मानता हूं। कहा गया कि कुरान मजीद पढ़ा नहीं, आप पढ़ते नहीं, वो पढ़ाते नहीं, आप महाभारत का सीरियल बनाते हैं, आप भगवान राम का सीरियल बना देते हैं और बताते हैं कि भगवान राम ने क्या किया, सब देख सकते हैं। उस पर कहीं रोक नहीं थी कि मियां भाई नहीं देख सकते, वो भी देख रहे थे। और मुझ जैसे लोग जो कल्चरली एक ऐसी जगह में थे जहां ये सब कुछ नहीं था, और जब पूरे देश ने महाभारत देख लिया तो बच्चे बच्चे को पता चल गया,
युधिष्ठिर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सब मुझे भी पता चला, मैं जानता नहीं था। मेरी दरखास्त है कि मेरी मुसलमानों से एक अपील है, वो पक्के मुसलमान है, उनका मुसल्लत ईमान है, कंप्लीट ईमान है। इस जिस देश में 90 से 100 करोड़ लोग ऐसे रहते हो जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस किताब के बारे में उन्हें कोई इल्म ही नहीं है, आज की पीढ़ी किताब नहीं पढ़ती, आज की पीढ़ी बहुत शॉर्ट में चीज को समझना चाहती है। मैं चाहता हूं अपनी मर्जी का कोई राइटर हो, जावेद अख्तर हो, इब्राहिम मासूम रजा तो रहे नहीं, शबानाज भी कोई रोल उसमें प्ले कर सके, आयशा का तो ठीक है। मुसलमानों ईमानदारी से बताओ कि इस्लाम क्या है, उसमें क्या क्या हुआ, उस पर सीरियल बना के 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा के बताओ, बताओ उसको, ताकि इस देश के हिंदू के मन में कोई गलत फहमी ना रहे। फिर कोई तुम ये ना कहो कि आप जानते नहीं, ये शिकायत आपकी दूर है, इसलिए हमारी समस्या को दूर करो। देवबंद का कुरान पढ़ते हैं तो कुछ और है, सऊदी का पढ़ते हैं तो कुछ और है, बरेलवियों का पढ़ते हैं तो कुछ और है, अहले हदीस का कुछ और है, और जब भी कोई उनसे कायदे की बात कहो तो कहते हैं आपने कुरान नहीं पढ़ा। उसने सब कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान पढ़ा। अब जब आयतों का नंबर लेके पेज नंबर से पूछो तो कहते हैं आप कुरान पर बात ना करें। भाई हमने तो सीता जी पे बात करने पे कभी नहीं रोका, और हमारा तो समाज इतना वाइब्रेंट है कि हम सीता पे भी बात करते हैं, हम भगवान राम पे भी बात करते हैं, अगर द्रौपदी के साथ जो हुआ उसको भी सरे मंजर दिखाते हैं कि वो हमारा हिस्सा था, हम शर्माते नहीं, हम नहीं शर्माते, वो हमारा इतिहास है, आप उसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं करें। लेकिन एक बार ये भी तो बताओ कि 24 साल जब थे, जब मदीने से मक्का आए, तो पहली शादी करने वाली खतीजा की उम्र कितनी थी, और आपने तो सिलसिला माशाल्लाह रोका ही नहीं, आपने तो 54 साल की विधवा खतीजा से शादी की अपनी 24 साल की उम्र में। यह आपकी छूट है, आपका मामला है, आपके पैगंबर है, जिससे दिल चाहे शादी करें, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, और यह सिलसिला 13 पे रुका अल्लाह के फजल से। और कोई ऐसा इस 54 से लेकर के 13 साल तक के बीच में हर क्लास की महिला से शादी। अब हम जब ये कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं, तो भाई हम बुरा आपको लगता है तो हमारी शंकाओं को दूर कर दीजिए, बताइए कि आयशा की उम्र क्या थी जब वो 54 साल की, बताइए बताइए। टेलीविजन पे कर्नल आरएसएन सिंह कह देता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर, उनको पता नहीं था कि आरएसएन सिंह साहब किस मिट्टी का बना हुआ है, 10 फतवे जारी किए, आरएसएन साहब घर में जाते थे आते थे, फतवे फना हो गए। इसलिए एक लंबे समय से ये सोच समझ करके एक डर बैठाया गया है, और हमारे बुजुर्गों ने उस डर को अपने बच्चों में मजबूत किया है। इसलिए कुछ दिन के लिए आप कुछ संकट से बच जाएं, लेकिन जो डरा रहा है जब तक उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक डर खत्म नहीं। इसलिए हमारे सारे नरेटिव, सारे नारे, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा कर दिया गया है कि हम दुनिया की सबसे कमजोर, लाचार, दुर्बल कम्युनिटी हैं। हमारे यहां कोई पुरुषार्थी पैदा नहीं हुआ। इसलिए इतिहास लिखने वालों में मैंने बताया कि जिनके दौर में इतिहास लिखा गया वो कौन लोग थे सत्ता पे, क्या क्या नहीं लिखा गया उन्होंने। लेकिन मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम तो उस दौर के हैं जो स्कूल में पढ़ा होता था वो कभी नहीं पढ़ते, स्कूल के अलावा की सारी नॉलेज थी,
मार भी पड़ती थी, फेल भी होते थे, लेकिन स्कूल में तो कुछ पढ़ाया जाता है इतना ही है ना, मार्कशीट पे नंबर लाने के लिए है ना, आप टॉप करेंगे, फर्स्ट डिवीजन आएगी, फर्स्ट पोजीशन आएगी, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तो आप समाज से सीखते हैं। तो ये कहना कि हमारे स्कूल में तो यही पढ़ाया गया है, लेकिन स्कूल में ये तो नहीं कहा गया है कि दूसरा ज्ञान लेने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन समाज को वो बातें अपने बच्चों से करनी चाहिए। इसलिए इस देश में कोई भी बात हो जाए, आपका अपना बच्चा, आपकी अपनी बेटी, आपका अपना बेटा आपके घर में उस नरेटिव के साथ खड़ा होता है कि आपको लगता है कि ये तो जो राष्ट्र के प्रति भी कोई काम होता है उसके खिलाफ खड़ा होता है, और वो दुश्मन ताकतों के साथ मिला हुआ नजर आता है। आपके पास फुर्सत नहीं, आपके पास टाइम नहीं, पिताजी जब चले जाते हैं जब बच्चा सो रहा होता है, आते जब है जब सो रहा होता है, माता जी अच्छी है खाना बना देती है, और फिर बापू का चमत्कार देखने के लिए भजन करने चली जाती है। इस चमत्कार की जो मानसिकता है भारतीय महिलाओं में कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, तो आपने रेट सेट कर रखा है, बेटी पास होंगे तो 1000 का प्रसाद, बेटी की शादी होगी तो भंडारा, और नहीं कुछ हुआ तो भगवान बदल लेते हैं, काली देवी कुछ नहीं दे रही, चलो अब हम दुर्गा देवी के पास जाते हैं, संतोषी माता की, अतली देवियां आपने बना रखी, आप बगैर रिश्वत दिए भगवान से भी काम नहीं कराना चाहते, और अगर वो नहीं करता है तो उसे भी छोड़ देते हैं, कमाल के लोग हैं आप। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने पूर्वजों पे विश्वास करिए, अपने पुरुषार्थ को जगाइए, दुनिया में आप जैसी कम्युनिटी कोई है ही नहीं, आपको डरा डरा के गलत इतिहास बता बता के आपको दीनहीन बना दिया गया है, और इस देश की सत्ताएं आपको एक भेड़चाल समझती हैं, इसलिए आप हर बात सत्ता से करना चाहते हैं। तो राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, देश क्या है, आपको इसका फर्क ही नहीं पता, और शायद नहीं पता है, इसीलिए आप ये समझते हैं कि आपने सरकार बदल दी, ये सरकार गई दूसरी आ गई, दूसरी गई तीसरी आ गई, और जब सरकार आप बदलते हैं तो आपकी उम्मीद ये होती है, जैसा कि मेरे पास 1000-1500 ईमेल आते हैं, अब जो शख्स ईमेल लिखता है वो टाइम लगाता होगा, वो सोच के लिखता होगा, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सोने से पहले मुझे 2 बार फोन जरूर करते हैं, बताओ कोई बात करनी है, रोज 2014 से 2019 तक तो ठीक था, 19 के बाद कहते हैं अमित शाह से आप बात करिए, मैंने कहा मैंने उनको प्रत्यक्ष में नहीं देखा भाई, और सारी समस्याएं सरकार से चाहते हैं कि वो हल कर दे। सरकारें, ये जो राष्ट्र जिसकी हम बात करते हैं बार बार, उस राष्ट्र को एक उसका छोटा सा हिस्सा होता है, ये जिसको आप देश कहते हैं, देश क्या है, ये देश भूमि के टुकड़े को देश कहते हैं, बस इसकी एक बाउंड्री है, कहां से लेके कहां तक है, आसाम से कन्याकुमारी और ये तमाम सारी चीजें, ये इतना हिस्सा टेरिटोरियल बाउंड्री को आप देश कहते हैं, वो देश होता है, और उस देश में कैसे चले, क्या नियम बने, उसके लिए संविधान होता है, अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, देश संविधान से चलता है, सरकार से नहीं, सरकार कह दे कि नहीं सब कुछ वही करेगी, नहीं, वो उसको नियम से बंधी हुई है, संविधान की शपथ से बंधी हुई है, लेकिन आपने जिस तरफ नहीं सोचा, मैं शायद आपका बार बार ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं। ये खड़े हुए हैं, ये मैंने सुना है अयोध्या से आए हैं, ये 10-12 लोग हैं, मैं नहीं जानता कि ये मुझसे क्यों इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, 1-1.5 महीने पहले ये तमाम युवा आए
और उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं आज के युवा भी बताऊं क्या करना चाहिए। चार पांच घंटे इन लोगों ने मुझे घेर लिया, बुजुर्ग आदमी भाग सकता नहीं था। मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात कही कि हमारे देश में संगठन तो भरमार है, गली गली संगठन है, और सब हिंदुत्व को बचा रहे तब भी हिंदू बच नहीं पाया। लड़ाई कहां है, लड़ कहां रहे हैं? हिंदू को अपने अपने शत्रु का बोध ही नहीं है। उसकी पहली समस्या है कि उसका शत्रु है कौन, उसे पता नहीं, इसलिए वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर बस इससे। इन्होंने कहा हम एक संगठन बनाना चाहते हैं। मैंने कहा एक ही शब्द है, संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, बनो। मेरी शर्त यह है कि संगठन सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्र के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। सत्ता किसकी है किसकी नहीं है, हमें एमएलए की टिकट मिल जाए, हमें एमपी की टिकट मिल जाए, हम कहीं वाइस चांसलर हो जाएं, कहीं गवर्नर हो जाएं, अगर इस मानसिकता से आप अलग रह सकते हैं तो मेरी बात को मानिएगा, नहीं आप आजाद हैं। इन्होंने एक संगठन का गठन किया। मैं उसके बारे में नहीं जानता, मुझे यह बताया गया कि एक संगठन बना है, और यह मात्र एक महीने बाद पुरानी बात है। हिंदू राष्ट्र शक्ति, देश धर्म देवालय इनका लोगो है। एक महीने में 2 लाख लोग सदस्य बन चुके। मैंने इनको शपथ दिलवाई है कि आपका राजनीतिक जिसकी महत्वाकांक्षा हो वो छोड़ दे और जाके राजनीति। हम में से किस सबको राजनीति में जाना है, ये भीड़ चाल के लिए बहुत सारे लोग हैं। कोई 50 करोड़ में टिकट खरीद रहा है, कोई 20 करोड़ में खरीद रहा है, टिकटें खरीद खरीद के लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं। ऐसी राष्ट्र सेवा की क्या जल्दी है कि 50 करोड़ में टिकट खरीद करके एमपी बन गई आप राष्ट्र सेवा करें? ये 50 करोड़ रुपया जो है गरीबों को दे दी, इससे बड़ी राष्ट्र सेवा हो जाएगी? उस मानसिकता से बाहर निकलिए कि सब कुछ राजनीति है और राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ राजनीति होती तो इतनी बड़ी तादाद में आप मऊ में नहीं आते। इसलिए कि आप इस देश की राजनीति से त्रस्त आ चुके हैं, वो राजनीति आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि आपने राजनीति को राष्ट्र समझ लिया है। इसलिए राष्ट्र क्या है, मेरी परिभाषा में राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, आपके सरोकारों से, आपकी परंपराओं से, आपकी संस्कृति से चलता है। राष्ट्र को समाज चलाता है, देश को सरकार चलाती है। और जब कोई समाज कमजोर हो जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है, कायरता आ जाती है, वो समाज अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं का बचाव नहीं कर पाता। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में जब लूटने के लिए कुछ लोग आए थे तो 5 करोड़ नहीं थे, तब भी आप बहुमत में थे, लेकिन समाज यह समझता था कि यह आया है लूटने, इसके लिए कोई पुलिस वुलिस आएगी, हमारा थोड़ी कोई काम है। प्लासी की लड़ाई में युद्ध हो रहा था तब भी देश के लोग इंतजार कर रहे थे क्या रिजल्ट आएगा, यह लड़ाई छत्री लड़ाएगा बस। हम इस मानसिकता में चले गए, और जब जब समाज कमजोर हुआ है, राजसत्ताएं राष्ट्र की जो आस्थाएं होती हैं, जो परंपराएं, उसके अंदर दखल देना शुरू करती है, क्योंकि उसको अपने राज्य की शक्ति बढ़ानी होती है। इसलिए आप कमजोर थे, तो राजसत्ता का एक अंग जिसे न्यायपालिका कहते हैं, उस ये तय करने लगा कि सबरीमाला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट तय करने लगा कि मुंबई की दहीहांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जलीकट्टू पे क्या फैसला होना चाहिए। वो मेरी आस्था का केंद्र है, वो किसी संविधान से नहीं चलता। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से चलेगा, सरकार संविधान से चलेगी। आप चाहते हैं कि आपके राष्ट्र की जरूरतों को भी सरकार पूरा करे, नहीं। समाज का आदमी जागरूक होगा
तो सत्ता को पता चल जाएगा कि अगर हमने राष्ट्र में इनकी आस्थाओं में दखल दिया तो ये हमें पलट देगा। वो ताकत पैदा कीजिए अपनी, सरकारों पर निर्भर होना छोड़ दीजिए। आपकी एक ड्यूटी थी जिस ड्यूटी को आपने 712 के बाद 2014 में पहली बार समझा। इसलिए पहला सत्ता का परिवर्तन आपने करने से पहले पहले आपका परिवर्तन हुआ। आपने जरूरत तय की कि हमारी जरूरत क्या है, हमें कुछ रिबेट चाहिए, हमें 2 रुपए किलो सस्ता चावल चाहिए, हमें बिजली का बिल माफ करने पे हम सत्ता बदल देंगे तो राष्ट्र नहीं बचेगा। और जब आपने ऐसी सरकारों को चुना तो उनको भी पहली बार एहसास हुआ कि हमको हवाई जहाज उड़ाने और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए नहीं भेजा है। उनको इस बात का बोध आपने 14 में भी कराया, 19 में भी कराया। आपने इसी राज्य के एक मुख्यमंत्री को इसलिए 3-3 बार जिताया कि तमाम, हो सकता है मैंने सुना है कि बच्चे के पैदा होने से बुजुर्गों के अंतिम संस्कार तक का सारा सामान सरकार देती है, ऐसा सुना है। लेकिन मैं ऐसे शख्स की तारीफ किसने नहीं करना चाहता, मैं उन बेचारों को जानता नहीं। उसने इस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा ग्रंथ था जिससे राष्ट्र चलता है, उस ग्रंथ को अपने यहां लागू कर दिया और आगे बढ़ गया। और हमें सोचना चाहिए कि हमारा कौन है और कौन पराया है। जो हीरो आपके लिए बलिदान हो जाता है उसे आप भूल जाते थे। याद कीजिए 1992 में एक मुख्यमंत्री ने यहां तो कोई जीवन में एक बार मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ईमान धर्म बेच के आजीवन तक मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है। हमें तारीफ करनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम तारीफ करने में बड़े कंजूस लोग हैं। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि मैं अयोध्या में कुछ नहीं होने दूंगा और सब कुछ करा दिया। और उनका बयान है, ये रिकॉर्ड पे है, कहां सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा मैं निहत्ते लोगों पे गोली नहीं चला सकता और भगवान राम के मंदिर के लिए अगर एक बार मुख्यमंत्री का 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी चला जाए तो इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपकी ताली से आज खुश हो सकता हूं लेकिन मुझे शिकायत है। 1992 के बाद 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई, चारों राज्यों में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आपने हरा दिया। इसलिए कि आपको यह बोध ही नहीं था कि आपके बीच में एक हीरो था, आप उससे क्या चाहते थे, उसने बगैर कुछ करे किया, आपने उसको हरा दिया। लेकिन 92 की गलती के बाद जो चोट आपको लगी, मुझे खुशी है कि पहली बार भारत के 100 करोड़ हिंदुओं ने, सनातनियों ने, सनातनी हिंदू होकर के 2014 में गलत जगह बटन दबा दिया। इस सिलसिले को बिल्कुल रुकने मत दीजिएगा। हजारों शिकायत हो सकती है सत्ता से, हजारों हो सकती है, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो मामला आज नहीं कल निपट जाएगा। इस सत्ताओं को ये बोध कराते रहिए कि जो आपने एक्सप्रेसवे बनाया है जिस पे 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही है, इस एक्सप्रेसवे पे कौन से लोग चलेंगे ये भी तय है। लेकिन मैं कहता हूं ये तय करो कि इस एक्सप्रेसवे पे कौन सी विचारधारा चलेगी। वो विचारधारा जो पूरे नेशनल हाईवे के बाहर हर किनारे पे हिंदू नामों से सारे होटल बनाए हुए हैं। और ये घटना, मेरा शक और मेरा डर
कोई हवा में नहीं है, तथ्यों पे आधारित है। ये तमाम एक्सप्रेसवे के चारों तरफ जो होटल बन रहे हैं, इनके मालिक कौन है ये पता करने का। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1965 में मैं तब पैदा हुआ था, दिसंबर में, रामपुर नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में। एक लड़का 17 साल का, जब 65 के युद्ध के लिए रामपुर कैंटोनमेंट से फौजियों की गाड़ियां जा रही थी, उस 17 साल के लड़के ने 20-25 लोगों को इकट्ठा किया और सड़क फूंक दी। ये बात अलग है कि मिस्टर सहाय उस वक्त के अफसर थे, दिल्ली में जो भी सरकार थी, आप जानते हैं कि उस सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। इस खबर के बाद उसको शूटेड साइट के ऑर्डर मिले, लेकिन सहाय साहब ने रामपुर के जो डीएम थे, जिनके पास ये पावर थी, उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम शहर छोड़ दो, तुम्हारे गोली मारने के आदेश हैं। वो शरीफ आदमी थे, लेकिन मैं समझता हूं सहाय साहब ना होता तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंच करके उत्तर प्रदेश में आजम खाना बनता। इसलिए मैंने कहा एक्सप्रेस वे बनाओ, ये तमाम गाड़ियां चल रही हैं, जा रही हैं। आपको पता है अभी जो अन्नदाता अन्नदाता की रट लगा करके जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, कितने नाजुक दौर से आप 2 महीने में निकले हैं, आपको अंदाजा नहीं। पूरे पंजाब में जिन रेल गाड़ियों के ऊपर धरना चल रहा था, आपको लगता है धरना चल रहा था, इसमें क्या जा रहा है? उस दौर को याद करें, और वही आपके पठानकोट से लेके लद्दाख तक की रसद 2 महीने तक रुकी गई, और भारत सरकार लगातार ये कहती रही सारा सामान वहां है, सारा सामान। उसके पास ऑप्शन नहीं था कोई। वो लोग आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, अन्नदाता है, अन्नदाता है, अन्नदाता है। मैं किसी से कह रहा था कि ये हमारे यहां क्या नरेटिव है, ये मतदाता है। अगर आपने अपना मत दान ही कर दिया है तो दान को ही चीज से पूछते थोड़े नहीं कि हमें बदले में क्या दोगे। तो आपने मत दान करिए, आप तो दान कर देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि जिसको मत दिया है वो आपका काम करेगा। आपने दान कर दिया, वो अपना काम करेगा, आपका करेगा। मतदाता की बात, दाना की बात होगी, अन्नदाता की बात होगी। मैं आप सबसे कहता हूं, पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन है, नौकरी करते हैं, अब इस देश में सिर्फ करदाता की बात होनी चाहिए और किसी की बात नहीं। जो कर देगा उसे उतनी फैसिलिटीज मिलेगी, जो कर नहीं देता उसका ठेका हमने नहीं लिया है। हम अपने मंत्रियों का चढ़ावा भी सरकार को देते हैं, हम कर भी देते हैं, और हम इस नियम का भी पालन करते हैं, हम जो हमारे दो बिना कानून बने करते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। तो आपको लड़ाई के नरेटिव बदलने हैं। ये 1946 की सिचुएशन है भारत के अंदर, सत्ता का परिवर्तन हुआ है। ये शाहीन बाग, ये जो किसानों का मामला है, ये पूरे देश में उथल पुथल है। ये इसलिए नहीं आए कि गुजरातियों ने 1947 में जो गलती की थी उसका प्रायश्चित कर लिया। इसके पीछे की मानसिकता को समझिए। उनका डर ये नहीं है कि सत्ता पे कोई दो समझदार गुजराती आ गए, उनका डर यह है कि सत्ता नहीं बदली है, यह सनातनी समाज अपनी ताकत पहचान गया है। ये डरे हुए हैं इससे, ये डर अगर किसी को लगता है तो डर ये अच्छा है, और ये लगना चाहिए। संविधान की नहीं मानोगे, संसद की नहीं मानोगे, पुलिस की नहीं मानोगे, फौज पे पत्थर मारोगे, आप हैं कौन भाई? आपको आदत है हज करने जाते हैं, आपकी किताब का हिस्सा है, हमारी किताब का हिस्सा नहीं है कि आप हज करने जाएंगे। हज जब ही पूरा होगा जब शैतान के ऊपर, अराफात की पहाड़ी के ऊपर आप पत्थर मारेंगे।
तो ये पत्थर मारने की परंपरा 632 से आई है, वहां टेंट से निकल। तो ये पुलिस में भी पत्थर मारते हैं, ये फौज में भी पत्थर मारते हैं, लेकिन ये दोनों भूल गए हैं कि दिल्ली में नेहरू जी नहीं आए। आपने सत्ताओं के मिजाज को बदल देना है, उनको बैठने नहीं देना है। अपने पराई के चक्कर में मत पड़िए कि हमारा भाई मुख्यमंत्री हो गया है तो अब सब कुछ उसकी, बल्कि उसमें ज्यादा दबाव डालिए ताकि उसको पता रहे ये नाराज हुए तो कुर्सी नाराज हो जाएगी। शाहीन बाग इलीगल काम के लिए रोका गया, सुप्रीम कोर्ट ने 4-4 इंटरलोकर भेजे, उनकी नहीं सुनी, पुलिस की नहीं सुनी। वो ये जानते थे कि अगर शाहीन बाग पे गोली चलेगी तो हम पूरी दुनिया में उसको कैपिटलाइज करेंगे। आपके आदमी ने भी 2002 की ऐसी ट्रेनिंग ली है, उसमें कोई बैठे रहो मैं सुखा दूंगा तुम्हें, बैठे जितने दिन तक बैठना है बैठ। बार बार लोग पूछते हैं कि ये सुनी किसान के मामले में कोई डिसीजन ले रहे, वो कहते हैं अन्नदाता का सिर्फ दाता रह जाए तब बात करूंगा, अन्न खत्म हो जाना। इसलिए इस 130 करोड़ के देश में 5 लाख लोग, 10 लाख लोग इस देश की सत्ता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सत्ता को झुकाना चाहते हैं। उनकी सत्ता से शिकायत हो तो करें, वो भी देश के वासी हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ आप जा सकते हैं, व्यवस्था के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ जो बोला उसके हलक से जबान निकाल लो, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। यह आपके बाप का राष्ट्र नहीं है, आपके बाप का देश नहीं है कि आप इसको तोड़ दो। नारे लगाने वाले अल्लाह का नाम लेकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस नारे का जवाब दिया आपने। इंशाल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन अल्लाह चाहा नहीं है, समस्या है। अब रोज अल्लाह से कहते हैं इंशाल्लाह, कहते भाई साहब मैं चाह ही नहीं रहा। और कुरान मजीद को ढंग से पढ़ें, आपका पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उसको छोड़ दें, वो तो पढ़ने के बाद भी उसका परचम खाली है। आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सूरे निसा नाम की एक आयत है, उसे पढ़ी बहुत मजे की है। और सूरे निसा में क्या लिखा है? सूरे निसा में अल्लाह जो उनके ऊपर ईमान लाए, जिन्हें मुसल्लत ईमान के बाद वो मुसलमान कहे, उनसे अल्लाह ये फरमाते हैं, मैं नहीं फरमा रहा, अल्लाह फरमा रहा, मैं तो उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जाहिल समझ नहीं पाए। अल्लाह ये फरमाते हैं कि मैंने इस कायनात, इस संसार में, इस सृष्टि में तुम्हें भेजा है, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ है तुम्हारे लिए, एक ही शर्त है मेरी, मेरे बताए रास्ते से मत हटना, और अगर तुम हटे तो इसी धरती पे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 214 में वो आए, कहीं नहीं। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि या तो कोई मुसलमान ये बता दे कि ऊपर अल्लाह अलग से मुसलमानों को पैदा करता है, भगवान हिंदुओं को अलग से पैदा करता है, और वो कहते हैं रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन का मतलब जानते हैं आप लोग? ये जो रब है, ये जो सृष्टि है, इसे कोई चला रहा है, वो उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको ईश्वर कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आप यहां बैठे हुए हैं, मैं भी मानता हूं, मेरा पूरा अकीदा है इसके ऊपर, ये मेरी अपनी मर्जी से हो रहा होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये उसकी मर्जी है कि आप रात के 8-9 बजे अपना समय छोड़कर एक राष्ट्रवाद के भाषण सुनने आए हैं। मैं आपके बीच में वहां से यहां तक आया हूं, तो जब अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, हवाई जहाज नहीं चलता, हवा नहीं चलती, पानी नहीं बहता, तो मोदी भी तो उसी की मर्जी से आया है, और तुमने उसकी बात को नहीं माना,
बहुत हंसी उड़ाई, आधे आस्तीन का पहनता है, कैसे बोलता है। उसने बहुत शुरू शुरू में आपसे कहा बात मान लो, मैंने बहुत सारे अपने मुसलमानों से कहा इसकी बात मान लो, जो ये कह रहे मान लो। इस वक्त 1400 साल से पूरी दुनिया ने तुम्हारी बात मानी है, इसकी 2014 से मान लो। नहीं माने। मैंने कहा कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है, और मैं बात अपने को तथ्यों पे कह रहा हूं, मैं इमोशनल नहीं कह रहा, इसलिए कि उसकी लाठी में दिखती नहीं है, कमर टूट जाती है। ये नहीं माने 2014 में, हजार बार समझाने के बाद इनको लगा रहे हमारी ताकत है, हम तो फतवे चार जारी करेंगे, कोई 10 करोड़ का इनाम रख देगा, कोई 5 करोड़ का इनाम रख देगा। उन जाहिलों को पता ही नहीं था कि अल्लाह फिर नाराज हुआ, 2019 में दूसरा भेज दिया, और उसकी वजह से अब क्या है, ये कहते पहला वाला अच्छा था। और आखिर में इन्होंने समझा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में लुटपिट रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू तो मूर्ख है, इनको बेवकूफ बनाओ, रेल जलाओ, बसें जलाओ, जो दिल चाहे करो, फ्री फॉर ऑल है। हमारा काम है जली हुई बस के हम टैक्स दें, उससे फिर दोबारा आ जाए, आप फिर जला दें। तीसरा आया 2017 में, जो गाड़ियां जला रहे थे उन सब की वीडियो मंगवाई, कानून बनाया कि जिसने जलाई है वही पैसे देगा बस, उसकी कोठी के बाहर का नजारा नहीं पता है आपको उत्तर प्रदेश में, 3-3 मीटर लंबी दाढ़ियां, तुर्की टोपी पहने हुए, करते मौला एक बार माफ कर, बस एक बार कर दे, अब बस इस बार माफ कर। उसने कहा नहीं 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 अभी तो शुरुआत है। मैं कुल मिलाकर के आपसे सिर्फ यही विनती करना चाहता हूं, राजनीतिक मतभेद मेरा तेरा से ऊपर उठ सकता, 2020 में आपको वो मौका मिला है, वो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप शिकायत नहीं कर सकते, मैं शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे पास एक मौका था इस राष्ट्र के निर्माण में, मुझे जो कंट्रीब्यूट करना था उसको मैंने ये कहते हुए टाल दिया, आज नहीं है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, जो लोग भी पिछले 70 सालों में 1947 की घटना को लेकर के जितनी बातों पे तर्क आपने किया होगा, क्योंकि आप नहीं थे इसलिए मैं आपका कसूर नहीं मानता, आज आप हैं, अपनी भूमिका को निभाइए, पूरी ताकत से निभाइए, और किसी को दिखाइए मत कि आपने क्या किया है, आप जो कर सकते हैं करिए। 10-12 लोगों ने पूरे देश को यह बताने की कोशिश की है कि भाई न हमारे पीछे कोई है, न हमारे मन में किसी किस्म का कोई पद की चिंता है, और यही वजह है कि 75 साल का मेजर जनरल जीडी बख्शी लाखों लोग सुन रहे हैं, कर्नल आर एस सिंह को लाखों लोग सुन रहे हैं। आप अगर इनसे मिलेंगे, बहुत ही साधारण लोग हैं, कोई दूसरी बात करते नहीं, सुबह से लेकर शाम तक रात दिन किताब किताब किताब, इसमें यह लिखा है, इसमें यह लिखा है, इसमें यह लिखा है, और उन बातों को कहते हैं, तीसरा कोई काम ही नहीं है। ये अलग बात है कि किसी का तलाक नहीं हुआ अभी तक। इसलिए हमारी परंपरा और हमारे आस्थाओं को चैलेंज करने वाले लोगों से एक ही बात है, हजारों हजारों साल की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जिनकी किताब ये कहती है माले गरीमत, जिनकी किताब ये कहती है कि लूट के माल का हिस्सा बराबर बटेगा, और अगर उसमें औरतें भी लूटी गई हैं तो वो भी बराबर बांटी जाएंगी, ये दुनिया की एक किताब है जो ये फलसफा देती है, वो हमको ज्ञान दे। भगवान राम जब वनवास गए तो उनके पास क्या था, सूटकेस भर के कपड़े क्या था। आज हिंदू समाज इस संकट से ग्रस्त है, आपके भगवान राम भगवान कृष्ण आदर्श नहीं है, आपने कहां से 1947 में पिताजी को ढूंढ लिया है, वो आपके आदेश है। मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे उनकी हरकतों से शिकायत है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे उस जमाने, जो टॉयलेट का सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था,
और ये उन्हीं के बेटों ने बताई है बात। ये आरोप नहीं लगा सकता कोई कि देखिए साहब ये जो आरएसएस वाले हैं ना ये ऐसी बातें चलाते रहते हैं, आरएसएस वालों का कोई इससे लेना देना नहीं, खामखा उन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो जो भी अंग्रेज आता था जो पॉटी करता था, गांधी जी अपनी पत्नी से कहते थे इसको तुम साफ करो। एक दिन कस्तूरबा ने मने करके मैं ये नहीं कहूंगी। जो आदमी दुनिया को टॉलरेंस का पाठ पढ़ा रहा हो, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हो, उस अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के आपने साउथ अफ्रीका की सड़क पे खड़ा कर दिया कि तू चुड़ैल घर में मत घुसना। ये आदमी हमारे राष्ट्र का पिता है जिसकी इंटॉलरेंस का लेवल ये है। और हमको सिखाया उन्होंने कि अगर स्वामी श्रद्धानंद की हत्या रशीद ने कर दी है तो भी हमें रशीद को माफ कर देना चाहिए। खुद से तो अपनी पत्नी का जरा सा बात नहीं बर्दाश्त किया और हमको कहते हैं कि आप अहिंसक बनिए। पूरा इतिहास हिंसा से भरा हुआ है गांधी का। जरूरी नहीं है कि हिंसा हथियार से हो, शब्दों से भी होती है। तो ये झूठ का पाखंड समाप्त करना चाहिए और जो आप पे उंगली उठाए आप उनसे एक ही बात कही है, भगवान राम जब गए, जिनकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले गया था, आप उस चरित्र को देखिए, उस मूवमेंट को देखिए कि वो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए गए, रास्ते में समुद्र से रास्ता मांगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये कहते हैं हम अहिंसावादी हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं कौन सा ऐसा भगवान है जिसके हाथ में हथियार नहीं, कौन सी ऐसी मां है जिसके हाथ में हथियार नहीं। भगवान को हाथ में हथियार रखने की जरूरत है, आप ऐसे कमाल के आपको कुछ भी रखिए, आपको इतना विश्वास है। भगवान राम ने जब तक मिन्नतें की समुद्र की उसने बड़े नखरे दिखाए और जब उसने धनुष बाण तान लिया तो वो फॉरन लाइन पे आ गया और कहा कि बताइए, और वो गए यहां से, वो पुल बना और पुल में तमाम लोग शामिल हुए, फिर अपनी पत्नी को लेके आए। क्या कोई बता सकता है कि भगवान राम जो सोने की लंका से अपनी पत्नी को लेके आए, क्या 10 ग्राम सोना लेके आए थे? हमने उनका राज उन्हें दिया जिस काम के लिए गए थे। हमारी यह है और तुम्हारी यह है कि तुम जिस देश में जाते हो वहां लूट के अलावा कुछ करते ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं हो सकता हमारा तुम्हारा। इस मामले में कम से कम जिना ईमानदार था इस मामले में, उसने साफ साफ कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृति हैं, दो अलग अलग मजहब हैं, ये एक रह ही नहीं सकते। जिना की इस बात को मैं इसलिए मानता हूं कि वो सही बात कह रहा था, लेकिन इस देश के पाखंडी नेताओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई भाई, हम तो सदियों से हैं, मुझे वो सदियां नहीं मिलती जब से ये भाई भाई हैं। कब थी सदियां? एक बात का मुझे बता दे जब से कहा जा रहा हो कि हम भाई भाई हैं। ये भाई भाई का शब्द कहां आया? जब प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में झगड़ा होने लगा तब उन्होंने कहा तुम सब भाई भाई हैं। और कमाल का इस देश और दुनिया में भी पाखंड है। कल 10 दिसंबर को 1948 में यूएनओ का एक ब्रांच बना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। आप सब ह्यूमन राइट की बात करते हैं, 10 दिसंबर को इसका बनाया गया। दुनिया के 53 देशों ने यह कह के उस पर साइन नहीं किए कि इसमें जो प्रोविजन है वो हमारा मजहब नहीं मानता। उसमें लिखा है महिला पुरुष के बीच में जेंडर जस्टिस की बात नहीं, बोले नहीं हमारा तो यहां माने नहीं जाता, हमारे यहां तो दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। उन्होंने कहा सारे धर्म बराबर करना, इस्लाम के अलावा सारे फेक हैं, फ्रॉड हैं, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है। 53 इस्लामिक देशों ने उस मानव अधिकार को संस्था दुनिया में सर्टिफिकेट बांटती है उस पर साइन करने से मना कर दिया। उनका नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन बदले हुए हालात की त्रासदी देखिए कि सऊदी अरब भी ह्यूमन राइट काउंसिल का चेयरमैन रह चुका है,
इसने कौन हमको ह्यूमन राइट की बात बताएगा? क्योंकि आपके अंदर राजनीतिक ये जुमला सूट करता है, इसलिए लोग कहते हैं भाई भाई है। और आप समझते हैं, आपको जितनी रफीक भाई की सेवैया खानी है खूब खाइए, खूब गले मिलिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन दलित के घर का पानी ही चाहिए। इस बदलाव को आप नहीं लेंगे तो यकीन मानिए दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जिसको नष्ट के कगार पे खड़ी है, उसके लिए आप सब लोगों को आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। सभ्यताएं कोई चीज नहीं जो डिब्बे में रख के बनती है। और आप तो वो लोग हैं कि किसी से भी प्रेरणा ले लेते हैं। हम तो साधारण लोग हैं, हमारे जीवन में कौन है? दो लोग हमको मार सड़क पे चलता जानते होंगे तो लोग कहते होंगे क्या कमीज पहने हैं, क्या तिलक लगाए हैं, क्या धोती पहने हैं, क्या फर्क पड़ जाता है अगर कोई ये कहे। ये सिर्फ भारत के सनातनी हिंदुओं की प्रॉब्लम है। घर से निकलते ही कहते हैं लोग क्या कहेंगे, हम उधर जा रहे हैं लोग क्या कहेंगे, हम ये कपड़े पहने लोग क्या कहेंगे, हमने तिलक लगा लिया लोग। अरे भाई, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए ना, आपको जो करना है वो करिए। और आप तो उस दौर में हैं जब भारत का शपथ लेके बना हुआ प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ में 8 घंटे पूजा करके जब निकलता है तो उसके ऊपर गेरुए वस्त्र होते हैं और तिलक लगा होता है। जब वो नहीं शर्माता तो आप क्यों शर्माते हैं यार? आप उससे बड़े हैं क्या? वो मैसेज दे रहा है आपको, ये मैसेज है कि जो लोग अपनी पहचान, अपनी परंपरा और आस्थाओं से शर्माने लगते हैं वो कौमें समाप्त हो जाती है। और बार बार देता है, हर बहाने से देता है। वो प्रधानमंत्री शपथ लिए बताएगा नहीं कि मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूं, ये नहीं कहेगा, उसके लिए हमें भेज रखा है। वहां से निकला केदारनाथ से बैठ गया, देखो ये उसको शर्म नहीं आई। भारत का एक प्रधानमंत्री 1991 से 1995 के बीच में पुर्तगाल गया, वहां के लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया। पुर्तगाल के वहां के भारतवंशियों ने कहा कि इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए, लेकिन उस आदमी को मैं निजी तौर पे आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, लेकिन कुछ कंपल्शन रहे होंगे। उन्होंने कहा मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया को 242 चैनलों ने पूरी दुनिया में लाइव किया कि राम मंदिर की पूजा में सबसे आगे बैठा। यह मैसेज है, बार बार आपको मैसेज दे रहा है, यह समय है उस मैसेज को समझें। आपको किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाने, किसी को गाली नहीं देनी है। आप अपने अंदर सोई हुई आत्मा को जगा लें, अपने पुरुषार्थ को जानें, अपने हीरोज को वेलकम करना सीखें। जिस दिन भी आप बदल जाएंगे तो कई हजार साल तक 2019 पैदा होता रहेगा। ये सत्ताएं आपसे पूछेंगी क्या काम बाकी रह गया है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद मैंने कहा कि जो बांधों में आपने गलती की थी उसको 2014 में सुधारा। इसलिए छोटी 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 बातों को बहुत बड़ा मत बनाइए। ये जीवन चलता रहेगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैं सोचता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं मेरे जीवन काल में हो जाएगा, ऐसी मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जब स्टेज से मैं हटूं तो 1 करोड़ लोग तैयार हो स्टेज के आने के। इतना ही मकसद है, इतने ही जीडी बख्शी, आर एस सिंह, सुशील पंडित, गौरव ललित अंबरदार, मेजर गौरव आर्या बने, यही मेरी ख्वाहिश है। आप बोलना तो सीखे, आप तो ऑलमोस्ट 700-800 साल के बाद तो आप पहली बार अपने मन की बात कह रहे हैं। आप तो अपने मन की बात भी नहीं कह पाते, ऐसे नहीं कहता मैं, बार बार कहता हूं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो करें, लेकिन भारत के सनातनी समाज को समझना चाहिए कि हम किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इतने भवन से निकल के आया है, ऐसे पूरी दुनिया में हालात, जो पीरियड है ना, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है कि आप सिर्फ इसको ये समझें
कि पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में दो टुकड़े हो गए। जो आदमी 2002 का हीरो था, उसे 6 इस्लामिक देशों ने अपना राष्ट्रीय पुरस्कार दिया कि तुमने अच्छा काम किया, 2002 में से जारी रखा। ये इसी लायक है। आपको सोच में लगता है अल्ट्रा अल्ट्रा सेकुलर हमारे यहां हुए लोग, उनको तो नहीं दिया? आपको मालूम है क्यों दिया? उनको मालूम है कि भक्ति से सिर्फ दिल का दर्द दूर होता है, और जिनको शौक है भक्ति करने का वो भक्ति करें। जिन्हें शांति पाने का बहुत शौक है, शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हम शांति चाहते हैं, चाहने से नहीं मिलती है शांति। शांति जिन्हें चाहिए उन्हें शक्ति का परीक्षण करते रहना चाहिए। शांति आपके घर चलते आएगी, पूछेगी आपसे और क्या चाहिए आपको। इसलिए जब उसने शांति पाने के लिए शक्ति का प्रश्न किया तो पूरी दुनिया को पता चल गया ये क्या आदमी है। और हम अपने हीरोज की हीरोइक बातों को लोगों के बीच में बात करने से बड़े कमजोर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तारीफ कर देंगे जैसे हमारी तारीफ से कोई प्रधानमंत्री बनी रहा है। ये गलतफहमी क्यों है भाई? दुनिया में सबसे फ्री की चीज है तारीफ, तो कर दीजिए भाई। अगर वो इतना हो तो उसको इतना बड़ा बनाइए। हमें पता नहीं लगने दिया किसी को, नहीं पता चला। मैंने अपने भाषणों में 2 साल से कह रहा हूं, किसी को पता नहीं लगने दिया उसने। इसलिए मैंने कहा ढंडोरा पीटना मेरा और आपका काम है, उसका काम नहीं है। वो काम कर देगा, आपको आगे बढ़ना है। अगर वो बात ऐसी है जो हमारे राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका खुल के प्रचार कीजिए। क्या आप सब आप लोग जानते थे कि मध्य प्रदेश में गीता कंपल्सरी है, राष्ट्रीय ग्रंथ हो चुका है? यह आपको पता है? नहीं पता। अगर पता होता तो इतना चिल्लाते कि जो बाकी के राज्य हैं उसको पता चल जाता। लेकिन एक ऊंची बात है, एक मुझे मेरे लिए राहत की बात है कि जबलपुर हाई कोर्ट में जो संजय यादव साहब जज थे, आपको पता भी नहीं चला, उनका यहां काम हो गया और उनको इलाहाबाद भेज दिया गया। जल्दी कुछ फिरने वाला है। इसलिए कुछ लोग जो खामोशी से अपना काम करके चले जाएं, उनकी जगह जगह तारीफ कीजिए। जस्टिस एस एन श्रीवास्तव को ये देश भूल सकता है, उन्हें न जाने। मैं जब जब दिल्ली में होता हूं कोशिश करता हूं उनके पैर छू जाऊं। इसलिए कि ऐसे हीरो हैं जो अनसंग है करके चले जाते हैं। लेकिन हमें आप सबको चाहिए कि कम से कम उनको इतनी तारीफ करें कि 100 लोग सोचे कि यार इतना सम्मान मिलता है ऐसे काम करने पे, तो हजारों लोग एस एन श्रीवास्तव बन जाए। आप बदले, आपके मन में सुभाष चंद्र बोस आए, तिलक आए, तो सरकार बदली। और सरकार बदली तो जो लोग ये कहते थे कि अगर कश्मीर को हाथ लगाया तो 1947 के हालात कर देंगे, वो समझ रही थी कि हमने ऐसे ही कह दिया, उसने सीरियसली ले लिया। और 1947 में जो पहली गलती, शेख अब्दुल्ला जब दिल्ली आया था तो पंडित जी तो बहुत शुरू आदमी थे, पंडित जी ने कहा मुझसे बात मत करो, अंबेडकर के पास जाओ। अंबेडकर से जाके कहा कि हमें धारा 370 दे करके विशेष अधिकार चाहिए, और उन विशेष अधिकार में जम्मू कश्मीर में भारत की संसद, भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका लागू नहीं होगी। वो अंबेडकर के पास चले गए, वो समझ रहे थे कि अंबेडकर ने काफी देर तक उससे पूछा आप क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा बदले में भारत को क्या दोगे? उन्होंने कहा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अंबेडकर ने कहा अपने जीते जी ये पाप नहीं करूंगा मैं। ये है हिम्मत किसी में कहने की? ये नहीं है। अंबेडकर ही पहला शख्स था कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ है। ये अंबेडकर की किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ लें वो लोग जरूर पढ़ें जो अंबेडकर को आजकल सर पे लेके घूम रहे हैं। इस किताब का नाम है पाकिस्तान और भारत का विभाजन।
इसमें वो कहते हैं कि जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है तब तक ये विभाजन पूरा नहीं माना जाएगा। है हिम्मत किसी में ये आज नहीं कहते चलेगा, बड़े बड़े हिंदुवादियों को नहीं कहते देखा, कह नहीं पाए। 1946 का जो इलेक्शन था उसको नहीं समझा आप लोगों ने, इसलिए जिन्ना को तो मान लिया कि वो बहुत बड़ा क्रिएटर था, लेकिन जिनको छोड़ के गया इस देश के अंदर वो सब वो खतरनाक लोग थे जो हजारों पाकिस्तान उन्होंने पिछले 70 साल में भारत में बना दिए। ऑल इंडिया रेडियो से निकली हुई तकरीर भी आप जाहिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की नहीं सुनना चाहते, जो उसने जामा मस्जिद पर खड़े होकर दी है, उस तकरीर को सुन लीजिए भाई। ए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम क्यों ये मुल्क बना रहे हो? तुम्हारे मुल्क बनाने से भारत के मुसलमानों की तकलीफें बढ़ जाएंगी, तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं जो तुम चाहते हो वो तुम्हें सब यही मिल जाएगा, क्यों जा रहे हो? वो चले गए, ये बाकी के सब दिलवाला है। आज आजाद भारत में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, हर जगह आप जमीन छोड़ के जा रहे हो, एक एजेंडे के तहत बिना लड़े खामोशी से एक वॉर चल रही है। 2014 से दिसंबर 2020 तक की हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, पूरी टीम ने, जिनके पास शायद किराए के पैसे भी नहीं होंगे, सबने मिलकर के सारे थानों से पूरे देश के जहां जहां हैं हमने एक लिस्ट बनाई है, मरने वाले का नाम, मारने वाले का नाम, किस हथियार से मारा, किस दिन मारा, किस थाने में मारा। 2014 से लेकर के 2019 दिसंबर तक इस देश में 158 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई, 158 लिस्ट समेत हम जारी करने जा रहे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा कि ये लिंचिस्तान है, लेकिन कुछ लोगों ने गाजियाबाद में किसी को कंफ्यूजन में मारा, जानबूझ के मारा, वो मार दिया गया, लेकिन वो यूएनओ तक चला गया और देश में कहा हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। अभी तो हम हुए नहीं, ज्यादा करोगे तो गली गली 2000 तो होगा। और मैं पूछता हूं कि ये क्यों बीमारी है आपको, क्यों बीमारी आपको कि हम इंटॉलरेंट है भाई? आप मुझे बताएं, पूतना के साथ क्या किया था श्री कृष्ण ने, कालिया नाग के साथ क्या किया था, शिशुपाल के साथ क्या किया था? कौन कहता है कि हम इंटॉलरेंट है भाई? अधर्म के खिलाफ, आपके मान सम्मान के खिलाफ जो भी होगा उसके प्रति इस सनातनी हिंदू को इंटॉलरेंट होना चाहिए। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किसी के खिलाफ हो। टॉलरेंट की डेफिनेशन ये नहीं होगी कि आप आए और हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाएं कि हिंदू बहुत टॉलरेंट है। एक सफाई अभियान चल रहा है इस देश में, जीरो टॉलरेंस टू गंदगी। मैं बार बार उस आदमी के बारे में जिक्र इसलिए करता हूं, किसी आदमी के बारे में राय जल्दी में मत बनाइएगा। उसने नहीं कहा कि सड़कों की गंदगी साफ करो, यार आप तो वही साफ करने लगे। उसने इशारे में कहा, प्रधानमंत्री की शपथ है, उसने कहा गंदगी के प्रति जीरो टॉलरेंस। गंदगी कौन फैला रहा है? ये जो बौद्धिक आतंकवाद है, जो बौद्धिक गंदगी है, इसके खिलाफ आपको टॉलरेंट नहीं होना, मत बर्दाश्त कीजिए। ये सफाई जो गंदगी चारों तरफ हो रही है, ये साफ हो जाएगी, डिब्बे में चली जाएगी। ये जहनों में गजवाए हिंद, दारुल हरफ से दारुल इस्लाम बनाने का जो जुनून पल रहा है उसको समाप्त करना। इसलिए आप समझते हैं 35 पे हट गया, 370 हट गया, आप इस बात से खुश हो सकते हैं? मैं इस बात से कभी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, वो एक टेक्निकल मामला था। आपके देश में 70 साल में ये जघन्य अपराध हो गया, पूरे देश में कहीं नहीं बात ही नहीं की किसी ने इसके बारे में, कोई बोलने ही नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है ये काम आरएसएस वालों का है, ये बीजेपी वालों का है, ये बजरंग दल का है। भाई साहब आपका क्या काम है? विदेश जाकर के पैसे कमाना,
आपका बेटा सीओ बने, आपकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन इस देश पे संकट आए तो ये लोग लड़ेंगे, हमें थोड़ी लड़ना है। भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, सुभाष सिंह इधर पैदा हो जाए, हमारा काम है मजे लेना, ये नहीं होगा। इसलिए आपने बहुत सारी चीजों को किया ही नहीं और करना नहीं चाहते आप, बार बार बिटवीन द लाइन मैसेज देता है, आप लोग सुन के हा हा करते हैं, वाह कितनी बढ़िया बात है, देखो साहब केदारनाथ में बैठा, देखो झाड़ू लेके जब जा रहा था तो उसने, अरे भैया झाड़ू नहीं लगा रहा, झाड़ू लग जाएगी। जो कस्बा ही लगाना चाहते हैं उनकी गंदगी साफ कर दीजिए और कुछ नहीं। इसे 370 का कोई, भारत में गजवाए हिंद का जो कंसेप्ट है, एक हदीस है जो ये कहती है और मुसलमान उसे मानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा, लेकिन सिर्फ भारत एक बात देश है जहां इतना टॉर्चर करने के बाद, जहां शाम में एक बादशाह ब्राह्मणों के जिस्म के ऊपर के जनेऊ को उनको मारता था और उनके जनेऊ को तोड़ता था, ऐसी सोच वाले लोगों के बावजूद भी आप सोचिए कि वो लोग भारत में इस्लाम का परचम फहराना चाहते हैं पूरे भारत को कस्बा हिंद के तहत। उनका मानना है कि एक हदीस में लिखा है और ये लड़ाई किसी पैगंबर के सामने लड़ी जाएगी। तो पाकिस्तान पैगंबर है जिस जेरे क्यादत में ये भारत के अंदर परचम फहराने का झगड़ा है। आप एक आम हिंदुस्तानी सनातनी समझता है 370 हटी है, 370 नहीं हटी, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी मेरे भाई। 370 के हटने का सिर्फ एक ही मतलब था, जिसे शायद मैं समझता हूं, जो मेरी सोच कहती है कि ये वो रास्ता था जहां से उस हदीस में ये बताया गया था, यही रास्ता है जहां से गजवाए हिंद आएगा। उसने 370 नहीं हटाई, दरवाजा बंद कर दिया उस जम्मू से जहां से चल के कोयम्बटूर में जब अडवाणी जी की सभा होने वाली थी, 54 लोग मरे थे, जो उस बम धमाके का मास्टरमाइंड था अब्दुल नजीर मदनी, उसको जेल हुई। और आपके देश की व्यवस्था कितनी मजाक की है कि अब्दुल नजीर मदनी जो पकड़ा गया, मुकदमा चला, उसे कहा गया इसे जेल में रखा जाए, उसके लिए मुस्लिम लीग की पार्टी और देश में नास्तिक वामपंथियों की पार्टियों ने मिलकर के रेजोल्यूशन पास किया केरला विधानसभा में कि मदनी साहब का किरदार, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, इन्हें अब आजाद कर दिया जाए। तो ये बम धमाके पटना से लेके पूरे देश में जो हो रहे थे, अब ये सुनाई देते, अब उनके घर में ही धमाका हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूं, हर एक आदमी जो यहां आया है मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सुबह से बहुत लोगों से मिला हूं, डॉक्टर्स भी मिले, वाई चांस भी मिले, फौज के लोग भी मिले, मैं उन सब से बहुत छोटा हूं, मेरे बालों पे न जाने, आप बालों की वजह से समझते होंगे कि बहुत ही ऐसा नहीं, दिल्ली की खाक छानने में मेरे बाल सफेद हो गए। आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें, जो करना चाहते हैं। महिलाओं से मेरी खास बनती है, आपके घर में एक बेटी है, बेटी 12th पास कर चुकी है, वो बीए करने जाएगी, एमए करने जाएगी, आप अपनी बेटी को अपना दोस्त समझें, उससे दोस्त की तरह बात करें, उसके मन के अंदर भी वो बदलाव हो रहे हैं जो इस समाज में हो रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दें, उनसे संवाद कायम करें। और घर में ये कहना बंद कर दें, मैंने बहुत सारे पिताओं को ये सुना है कि जो काम वो जिंदगी में खुद नहीं कर पाए वो बेटा करता है तो बड़ा गर्व करते हैं। अतुल कहां है? अरे वो गया है। आप पिताजी ऐसे बताते हैं जैसे उसने पद्मश्री जीता हो। कोई पूछा आपका बेटा, अरे वो कहां है, उसके दो तीन तीन तो उसकी गर्लफ्रेंड है, कभी इधर जाता है, ऐसे बताते हैं कितना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी घर में एक बेटी बैठी हुई है। ये भाव उसके मन में आएगा तो उसका जवाब कौन देगा? तो ना पिता बात करता है ना मां बात करती है।
और जब आप बात नहीं करते तो पंचर वाला बात कर लेता उससे। कोई तो बात करेगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। मुझसे कोई बात नहीं करेगा तो मैं किसी से तो बात करूंगा ना, मेरी कोई तो बात सुनेगा, ये ह्यूमन नेचर है। हम न शास्त्र पे बात करते हैं न शस्त्रों पे बात करते हैं, दिन भर एक ही बात पूछते हैं, तुम पढ़ लिया, तुम्हारी तैयारी हो गई, तुम्हारा रिजल्ट। अरे भाई रिजल्ट रिजल्ट से दुनिया नहीं चलती, मार्कशीट से नौकरी मिलती है, कुछ और नहीं मिलता है। इसलिए दुनिया में, मैं दिन में किसी को बोल रहा था, दो ही चीजें मैं मानता हूं, भारत की संस्कृति को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या है, और चंद शब्दों में डिफाइन करना हो तो क्या है। हमारी संस्कृति में, हमारी आस्थाओं और परंपराओं में, हम अपने पिता को अपनी मां का पति नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ये शख्स मेरी मां का पति है, ये नहीं कह सकते, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और इसी में दुनिया का सबसे बड़ा सच, उसके अलावा कोई सच है ही नहीं। ये बात अलग है कि केजरीवाल आता तो कुछ और पूछ लेता। सबसे बड़ा सच है मां, उससे बड़ा सच हो ही नहीं सकता। उसे दुनिया कितने भी तरीके से बदल जाए, कितनी भी मॉडर्न हो जाए, मां ने ही मुझे जन्म दिया है, किसी और ने नहीं दिया। इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती। और विश्वास क्या है, जो मां कह देती है ये तुम्हारे पिता हैं, हम उससे सर्टिफिकेट नहीं मांगते, आजीवन उस आदमी को अपना पिता समझ के बात करते, सवाल नहीं उठाते, प्रूफ नहीं मांगते। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अफसोस है कि हर शहर में बड़े बड़े कॉलेज देखता हूं, साउथ में बड़े बड़े आपने यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी, हजारों करोड़ लोग होंगे, कोई एक ऐसा गुरुकुल बनाया आपने जो नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह पूरी दुनिया से लोग उसमें आते हैं, आपने नहीं बनाया। आप सामर्थ्यवान हैं, कुछ काम जिंदगी में लॉस के लिए किए जाते हैं, जीतने के लिए नहीं किए जाते। और आप तो संविधान को पढ़ने वाले लोग, भारत के संविधान में पेज नंबर 3 पहले पेज पे खोलेंगे तो अशोक की लाड़ बनी है, उस पे सत्यम वो लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। पेज नंबर 3 की पहली लाइन ही नहीं पढ़ी है, बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कहते हैं सब भारत को जो है वो इंडिया को हमें भारत डिक्लेयर कराना है। एक तो पता नहीं हर हिंदू को कोर्ट से जाने क्या क्या चीज लेना है, हर चीज कोर्ट से लेनी है, क्यों भाई कोर्ट क्या करेगी उसमें। पेज नंबर 3 पर इंडस वैली के दौर का नंदी बना हुआ है भारत के संविधान में, पेज नंबर 3 पर, और उसके नीचे लिखा है नेम स्टेट एंड टेरिटरीज, और दो डॉट लगे हुए हैं, और पहली लाइन लिखी हुई है इंडिया दैट इज भारत, समाप्त। अब आप उसे भारत नहीं कह रहे तो कोई आपसे कैसे कह पाए। आपने ये कभी मांग की कि हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, क्या इस देश के लोगों को उस ओरिजिनल संविधान जो पास हुआ, जो लागू हुआ, उस संविधान में से कैसे 22 चित्र, जिन चित्रों में सुभाष चंद्र बोस भी हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी हैं, भगवान राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, उसमें हनुमान भी हैं, वो चित्र किसने गायब कर दिए, ये सवाल इस देश को नहीं पूछना चाहिए था। वो तो ओरिजिनल संविधान है जिस पे साइन हुए, जिसकी कॉपी मेरे पास है, नहीं पूछा। भारत की पार्लियामेंट में 1957 में डिबेट हुई, और डिबेट में ये कहा गया कि भारत का ध्वज कैसा होगा, भारत का फूल कैसा होगा, भारत का गीत कैसे होगा, भारत का गान कैसा होगा। इस बैकग्राउंड में एक डिबेट चली 1957 में, और भारत की संसद ने पूरे बहुमत से यह कहा कि भारत का कैलेंडर सत संवत्सर होगा,
पूरी आपकी संसद ने यह कहा, वो पास हो गया कि जो सरकारी कैलेंडर है ये डीसी से नहीं चलेगा, ये क्राइस्टचर्च से नहीं चलेगा, एक सेकुलर भारत के अंदर कोई कहकर फिर हमारी हिजरी से चलना चाहिए, सब संबद्ध साइंटिफिक था, ये नहीं चला। हम लोग वही कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो पहले तो मैंने उसकी पूरी इंक्वायरी की, सारे डॉक्यूमेंट निकल गए, और फिर उसके बाद में औरंगाबाद में कुछ बुजुर्ग लोग थे जो इस पर कुछ काम कर रहे थे, दुनिया भर के लोगों से कहा कुछ मदद कर दीजिए भाई, सत संवत का पहला कैलेंडर हमने देश में जारी किया। यही वो कैलेंडर है जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, ये वो कैलेंडर है, इसकी सारी तारीखें आपको उसी से मिलेंगी। अब अगर समाज जागृत हो और इस पे दबाव बनाए कि ये आपकी किसी हिंदू की डिमांड नहीं है, उस संसद से पास हुआ एक कानून है जिसे किसने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लागू नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि संसद में आजादी के बाद जो वंदे मातरम गाया गया हम उसको मानेंगे, 57 में जो कैलेंडर पास हुआ हम उसको मानेंगे। क्या इसके लिए 5 करोड़ लोग इस देश की सड़कों पर निकल के नहीं बैठ सकते कि सरकार हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसको लागू कीजिए जो संसद ने किया है, ये किसी आरएसएस बीजेपी के हेडक्वार्टर में पास नहीं हुआ है, जो आपको नफरत हो सकती है, जो आपका कोई डिबेट हो सकती है, या आपकी संसद ने किया है, भाई आप इसको लागू करिए। आप ऐसी चीजों के लिए लड़ना नहीं चाहते, जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ देना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर वो भूख नहीं है। मैं उस भूख को जगाना चाहता हूं, तब कैलेंडर भी आएगा और हर भर भारत की जो संविधान की कॉपी जो सबके साइन थे, फिर क्यों चोरी की आपने? इसलिए उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो जानते थे क्या क्या करें। उसका आखिरी किस्सा कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, मुझे थोड़ा सा यूएस में किसी से बात करनी है, कोई वहां मसला हो गया है। क्या आप देखिए कि जब ये मामला था तो कितनी बारीकी से इस मामले को लोग खा गए, लेकिन नेहरू जी बहुत समझदार आदमी थे, पटेल से कह के गए कि आपको 370 पास करानी है, मैं बाहर जा रहा हूं, वो विदेश चले गए, संसद में बहस हुई, पटेल इस बात को जानते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किन घनघोर स्थितियों में, आज तो आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, उन्होंने उस स्थिति में भी अपना काम करके चले गए। 370 पर बातचीत होती रही और ज्यादातर लोग नाराज थे 370 को, और पटेल इस बात को जानते थे। पटेल ने कहा कि इसको पास कर दीजिए क्योंकि नेहरू जी चाहते हैं, और जब लोग अनमने ढंग से पास करने लगे तो खुद ही उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको पास कर देते हैं लेकिन इसके नीचे लिख देते हैं ये टेम्परेरी है। उस गुजराती को नहीं पता था कि 2019 में 2 गुजराती आएंगे, इसको परमानेंटली टेम्परेरी हटा देंगे, उनको नहीं पता। इसलिए आपके पास समय है, आप सुविधाओं से संपन्न हैं, संचार क्रांति के सारे माध्यम हैं, आपकी बात जो यहां है 5 मिनट में पूरी दुनिया में फैल सकती है, इस घड़ी को मत बर्बाद कीजिए। ये हजारों साल के बाद आपके पास मौका मिला है कि जो हिंदू सनातनी बोलता नहीं था उसे बोलने के लिए हथियार मिला है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए, इसका मिसयूज मत कीजिए। अपने मन की बात कहिए, अपने मन की बात दूसरों की भी मन की बात सुनिए, और ये दुनिया आपको ऐसे ही नहीं कहती है, पूरा यूरोप बार बार कह रहा है, सारे अखबार पढ़िए, मैं तो पिछले 10 साल से विदेशी मीडिया में काम करता रहा, हर अखबार बार बार एक ही बात कहता है, ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, ये जो जिहाद की मानसिकता है, अगर पूरी दुनिया में कोई देश है जो इसको समाप्त कर सकता है उसका नाम भारत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विदेशी मीडिया कह रहा है, वो जानते हैं कि आप 1100 साल से इस जहनियत से लड़ रहे हैं, इस खूनी विचारधारा से लड़ रहे हैं। अपने आप को जानिए, अपने पुरुषार्थ को जानिए, और अच्छी खासी
लड़की से शादी करके उसे ताजमहल दिखाने मत ले जाइए। ताजमहल दिखा करके आप उससे क्या कहते हैं, तुम्हें भी यही ऐसे ही करूंगा तुम्हारे साथ। ताजमहल एक कब्र है, कब्र की न पूजा हो सकती है, इस्लाम में कब्र हराम है, लेकिन आपके देश में सत्ताओं ने भारत की पहचान के रूप में भारत का राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से विदेशी मेहमानों को ताजमहल का रेप्लिका देता था कि ये तो हमारी पहचान है। इसलिए एक छोटे से हिस्से से आपके आदमी ने राष्ट्रपति गया, पूछा भारत की पहचान क्या है, प्रणब मुखर्जी भोले आदमी तो उन्हें मालूम था कि कहां से आया ये, उन्होंने कह दिया ताजमहल, उनका कल से बंद कर दीजिए और पूरा होमवर्क करके जाता है। इन दोनों की ये क्वालिटी है, बाकी बेहोमवर्क के घूमते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। उसी वक्त दुनिया की हर भाषा में वो सोच रहे थे ये करेगा, वो करके गया था सारा काम। दुनिया की हर भाषा में गीता को छपाया और कहा कि अब से आने वाले मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में गीता दी जाएगी। बदल दिया, एक ही झटके में आपने बदल दिया और दुनिया ने गीता पढ़ी, क्योंकि आप गीता पढ़ते नहीं, हमारे यहां पढ़ने का शौक वैसे भी लोगों को बड़ा कम था, सुनी सुनाई बातों पर बहस करने का और उसका मजा ज्यादा है। जब उसने गीता दी पूरी दुनिया को तो मुझे पता चला कि 70 से ज्यादा देशों को दे चुका है। ये बात मैं अपने रेफरेंस के लिए कहता हूं ताकि आप मेरी बात को समझ सकें। बालाकोट पर जब गड़बड़ हुई तो हमारा एक आदमी